जब भी आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास में आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट होगा, क्वेश्चन होगा कि एस्ट्रोलॉजी को लेके हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, आगे मुझे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक सिंपल आंसर केवल करूंगा कि ज्योतिष को मानने वाले ही इस पृथ्वी पर पहले तो बहुत कम लोग हैं जो बिलीव करें केवल एस्ट्रोलॉजी काम करती है या एस्ट्रोलॉजी से कुछ किया जा सकता है ना। उस पर फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो थोड़ी बहुत मानते हैं कि चलो हाँ ठीक है, चीजें वर्क करती हैं, प्लैनेट्स अपना रिजल्ट दिखाते हैं, राशियां काम करती हैं। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा और मानते हैं, कुछ ऐसे और लोग हैं जो मानते भी हैं और छोटे मोटे काम के लिए ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं अपना कुछ पूछने के लिए कि चलो हम जो करने जा रहे हैं, करने जा ही रहे हैं, एक बार पूछ भी लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। उसमें फिर कुछ और लोग होते हैं कि जो थोड़ा इंटेंशनली जाते हैं कि भाई मैं जो पूछने जा रहा हूं, अगर मेरे एस्ट्रोलॉजर ने मना कर दिया या किसी ज्योतिषी ने मना कर दिया तो मैं उस काम को या तो नहीं करूंगा, और अगर अप्रूवल मिल गया तो मैं उस काम को करूंगा। मतलब कई स्टेप के बाद फेथ और श्रद्धा के साथ बहुत कम ही लोग हैं जो पूछना चाहते हैं किसी व्यक्ति से। ठीक है, पूछ भी लिया श्रद्धा और विश्वास के साथ, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं कि जो उनमें से कर भी पाते हैं। कर भी लिया सपोज, तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जिनको ज्योतिष जानने का केवल मन करता है, और फिर उसमें कुछ लोग हिम्मत करते हैं जो पढ़ने के लिए थोड़े से प्रयास करते हैं और इधर उधर पढ़ते हैं यूट्यूब पे। उसके बाद फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रयास करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, सही जगह पढ़ते हैं, और फिर हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर यहां तक चले आए हो किसी भी तरह से, या किसी से आपने पढ़ा या पढ़ रहे हो, या एस्ट्रोलॉजी के किसी भी तरह से आप स्टूडेंट हो, तो आप ये समझ लो विदाउट कॉम्बिनेशंस, बिना डेस्टिनी अलाइनमेंट के आप यहां तक पहुंच भी नहीं सकते हो। मेरे पास पहुंचने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप कहीं भी पढ़ने के लिए अगर गए हो, आपके मन में इतनी क्यूरियोसिटी आई कि मैं कहीं पढ़ता हूं, जिज्ञासा आपके अंदर पैदा हुई, तो इसका मतलब है कि कुंडली में कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि अपनी कुंडली को देख करके, मैं देखो आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तो नहीं बैठा हूं, ये बात दूसरी है कि मैंने बोला है कि पर्सनल क्वेश्चंस के एक आंसर मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं सिखाने के लिए बैठा हूं कि अपने चार्ट में और दूसरों के चार्ट में आप उस कॉम्बिनेशन को कैसे चेक करोगे। लेकिन इतना भी आप समझ लो कि आप सबके चार्ट में कॉम्बिनेशन है और डेस्टिनी का सपोर्ट है जो आप यहां तक बैठे। ज्योतिष को आरंभ करने से पहले अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस विद्या को हम पढ़ने जा रहे हैं उस विद्या को बिना गुरु कृपा के, बिना इष्ट कृपा के हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये रहस्यवादी विद्या है ना। तो इसलिए स्मरण करेंगे एक मिनट के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए, बस ज्यादा नहीं। ज्योतिष जो है वो अगर आप बेनन के हिसाब से देखो तो तीन ग्रहों के पास ही है ज्योतिषी, ज्योतिषी बनने के तीन ही प्लैनेट्स हैं, या ज्योतिष पूरा का पूरा जो समाया है वो तीन ग्रहों पर ही समाया है, जिसमें मुख्य ग्रह है केतु, सूर्य और चंद्रमा। और सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, केतु, ये तीन ग्रह आपको एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, ज्योतिषी बनाते हैं। सारे ग्रह का अलाइनमेंट आपको ज्योतिषी नहीं बनाएगा। अगर आप जुपिटर की बात करो तो जुपिटर आपको गाइडेंस देने वाला टीचर बना सकता है, लेकिन एक जो आपको एस्ट्रोलॉजी अगर पढ़नी है, ज्योतिषी अगर बनना है, तो इन तीन प्लैनेट्स में से कोई भी एक प्लैनेट जब आपको सपोर्ट करता है तब आप ज्योतिषी बन पाते हो। सूर्य जब सपोर्ट करेगा तो बाई लक आप बनोगे, या कुछ आपके साथ ऐसी सिचुएशंस होंगी, कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसके बेसिस पर आप एस्ट्रोलॉजी को पकड़ लोगे। सपोज आपने कोई इंजीनियरिंग करी, कुछ और किया लाइफ में, और फिर आपके माइंड में एकदम से आ गया भाई इस चीज को जानते हैं, और जानने के पीछे फिर पता चला सब कुछ छोड़ के फिर आपने एस्ट्रोलॉजी को पकड़ ली। केतु तो खुद में ही ऑकल्ट का ग्रह है, इसलिए केतु भी ज्योतिषी बनाता है। और एक ज्योतिषी होता है चंद्रमा के, चंद्रमा से कनेक्टेड व्यक्ति होता है,
चंद्रमा जिसका बलवान होता है वो भी ज्योतिषी बन सकता है। वो ज्योतिषियों के पास एजुकेशन हो ना हो, नॉलेज हो ना हो, बट उनके पास इंस्टीट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप ऐसे तमाम ज्योतिषियों को देखोगे कि वो प्रिडिक्शन कर देंगे, और आप उनसे पूछने जाओ किस मैथोलॉजी से आपने ये प्रिडिक्शन करी है, तो उनके पास शायद आंसर ना हो किस मैथोलॉजी से पढ़ी है, बट एक्यूरेट प्रिडिक्शंस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशन पावर होती है। सूर्य वाले के पास आप जाओ, उसके पास दुनिया के सारे समाधान होते हैं, सॉल्यूशंस मेकर बोला जाता है जिसका सूर्य का टच आता है, जिसके पास जिसका सूर्य सपोर्ट करेगा, सूर्य ग्रह सपोर्ट करेगा जिसको, तो सूर्य के सपोर्ट से क्या होगा, आपके सॉल्यूशंस लगेंगे। आपके पास लोग तब आएंगे जब वो बड़ी समस्या में होंगे, उससे निकलने के लिए आपके पास रास्ता मांगने आएंगे। और केतु वाला रिसर्च करता है, केतु वाला कुछ ना कुछ बड़ी चीज देता है, इसलिए केतु वाले के पास भी एस्ट्रोलॉजर होता है, क्योंकि वो क्या है, साइंटिस्ट है, वो क्या है, स्कॉलर है, वो क्या है, रिसर्चर है। उसके बाद अन्य प्लैनेट्स के बेसिस पर भी एस्ट्रोलॉजर बना जा सकता है, एज पर पराशरी और बीएनएन के हिसाब से मरकरी भी बना देता है, जुपिटर भी बना देता है, और चूंकि शुक्र को कलयुग का प्रधान देवता तो राहु को बोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शुक्र को फॉलो करता है, शुक्राचार्य से बड़ा कोई ज्योतिषी नहीं था, इसलिए शुक्र से संबंधित व्यक्ति भी ज्योतिषी बन सकता है। 9 के 9 ग्रह आपको ज्योतिषी बना सकते हैं। सबका अपना अपना एस्पेक्ट है, सबकी अपनी अपनी अपना अपना नेचर है, सबका अपना अपना एट्रीब्यूट है, लेकिन अगर कोई ढंग का एस्ट्रोलॉजर बनेगा और लाइफ में कुछ भी अचीव करेगा, उसमें इन 3 प्लैनेट्स का मेन रोल रहेगा। इनके बिना आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाते हो अच्छे वाले। अब वीनस बना तो देगा, लेकिन आप सोल्यूशन नहीं दे पाओगे, केवल और केवल भौकाल ही दिखा पाओगे, चमक ही दिखा पाओगे। जुपिटर भी बना देगा, गाइडेंस दे पाओगे, लेकिन गाइडेंस से केवल काम कभी कभी नहीं चलता है। अन्य प्लैनेट्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बना सकता, लेकिन अन्य प्लैनेट्स में जो वो चीजें मैं बोल रहा हूं उनकी थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन जो ये 3 प्लैनेट्स मैंने बोले, चंद्रमा, सूर्य और केतु, ये आपको प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं। ये बात मैंने बोली क्यों, अब उसका संबंध आपको समझ आ जाएगा। ज्योतिषी बनने के लिए पहली जो स्टेप है, पहला जो स्टेप है, उसमें से मैं हमेशा बोलता हूं कि 4 काम आपने करने हैं। ज्योतिषी अगर बनना चाहते हो तो 4 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, इसलिए थोड़ा उसको टच करूंगा मैं। 4 काम का मतलब, केतु को सही करिए, सूर्य को सही करिए, या इनको स्ट्रेंदी करिए, जुपिटर को सही करिए, और मरकरी को सही करिए। अब इनको सही करने के प्रोसेस आप सब जानते हो, बुध का करना है तो कैसे करना है, पूजा पाठ ये वो दुनियादारी। कुछ लोगों को साउंड में प्रॉब्लम है, बट मेरे हिसाब से शायद क्लियर है ना, तो जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो अपना माइक वाइक चेक कर लें। सॉरी। तो केतु को सही करने का जो बेस्ट फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू मी, जितना आप लिखोगे, जितना आप खुद में क्वेश्चन मार्किंग करोगे, प्रश्नवाचक चिन्हों का जितना प्रयोग करोगे, खुद से ही जितने भी आप क्वेश्चन मार्क्स लगाओगे किसी भी रूल पर, किसी भी चीजों पर, उतना ही आपका केतु बेस्ट होता चला जाएगा। केवल एस्ट्रोलॉजी के लिए नहीं, आप किसी भी साइंस को पढ़ रहे हो, उसमें जितनी भी क्वेश्चनिंग आप करोगे, क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, या इस व्यक्ति के साथ ही क्यों हो रहा है, ठीक है, तो जितनी भी क्वेश्चनिंग आप करते जाओगे उतना आपका केतु ग्रह मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आप अगर सक्सेसफुल होते हुए देखो, कुछ अचीव करते हुए देखो, कुछ बनते हुए देखो, आपके मन में आना चाहिए कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इसके चार्ट में बैठा है, कौन से प्लैनेट का कॉम्बिनेशन इसकी कुंडली में है, और तुरंत उसकी कुंडली को इमीडिएट चेक करिए। आपके घर में कोई आगे बढ़ रहा है, आपकी फैमिली में कोई आगे बढ़ रहा है, कौन से प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस हैं, किसके बेसिस पर ये बढ़ रहा है, तो जितनी खुद से क्वेश्चनिंग होगी उतने बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनते जाओगे। केतु का उपाय या केतु को स्ट्रेंथ करने के लिए कोई पूजा पाठ या जेमस्टोन भले ही आप ना धारण करो, जितनी क्वेश्चनिंग होगी उतने बेस्ट आप होते चले जाओगे।
जितना आप लिखते जाओगे किसी भी चीज को, आजकल बड़ा आप सब पीडीएफ 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 की बात हर व्यक्ति करता है। पीडीएफ जिनके पास रखे हैं उनको ज्योतिष नहीं आ रही, ठीक है, जिन्होंने अपनी बुक्स मेंटेन कर दी, कॉपी मेंटेन कर दी, उनको ज्योतिष आ जाती है अपने आप। तो जितना आप लिखते हो उतना आप केतु को पॉजिटिव या एक्टिव या सुपर एक्टिव करते चले जाते। जब आपने क्वेश्चनिंग करना चालू किया, अब उसका सोल्यूशन कौन देगा? सन, सूर्य देगा। क्योंकि कोई भी विद्या तब तक फलीभूत नहीं है जब तक उसका अलाइनमेंट आपके हृदय से ना हो जाए, जब तक आप उसको दिल से नहीं चाहोगे किसी चीज को। हम कहते नहीं है, जो चीज आप दिल से चाहोगे वो पूरी जरूर होती है। तो जब आपकी क्वेश्चनिंग चालू हुई तो फिर आपको उसमें सॉल्यूशंस चाहिए। वो सॉल्यूशन जब आपकी वो डिमांडिंग बढ़ेगी, भाई क्या क्यों हो गया क्यों हो गया क्यों हो गया, तो उसका आंसर आपका दिल आपका हृदय खुद देने लगेगा। दैट टाइम पे आपका सूर्य एक्टिव होता चला जाएगा। मर्करी क्या है? किसी चीज को स्टोर करना, किसी चीज को कलेक्ट करना और पढ़ते रहना, लगातार पढ़ते रहना। आप में से मैं देख रहा हूं सब लोग काफी एजेस के हो, 70 इयर्स भी कुछ लोगों का क्रॉस हो गया हो, आप में से पढ़ रहे हो। जब कॉन्टिन्यूटी आपके पास है, लगातार आप चीजों के पीछे पड़े ही हो, लेबर की तरह है, स्टूडेंट की तरह है, स्कॉलर की तरह है, तब आपका बुध अपने आप सही होता चला जाता है। और जब आपका केतु सही हो गया, सूर्य सही हो गया, बुध सही हो गया, फिर चौथा काम होता है जितना आपको आता है उतना वितरित करना, पढ़ाने के रूप में, प्रिडिक्शंस के रूप में, कंसल्टेंसी के रूप में, गाइडेंस के रूप में, दूसरों तक अपनी विद्या को पहुंचाना। अब इनमें से एक भी चीज की कमी कर दी तो ग्रह को भले ही शांत करते रहोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, ग्रह कभी भी इंप्रूव नहीं होगा, ग्रह कभी भी आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए जो रूल पढ़ो उसमें क्वेश्चनिंग करो, उसका समाधान अपने से ढूंढने की कोशिश करो, नहीं तो कॉपीराइट का आगे क्लेम लग जाएगा। अपने से ढूंढने की कोशिश करो और जब जो चीज ढूंढा है उसको कहीं स्टोर करो अपने से ही, है ना। हेल्प ली जा सकती है, आप किसी से पढ़ो, हेल्प लेने के लिए ही पढ़ा जाता है। किसी टीचर से किसी बुक को पढ़ने का मतलब जानते हो क्या? वहां से हेल्प ली जा सकती है, लेकिन आपका दिल उसको गवाही जरूर करे। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी, वो भी सन से ही। सन आपका प्रैक्टिकल प्लेनेट है टोटल। जितनी प्रैक्टिकलिटी आपकी मजबूत होती जाएगी उतने आप आगे बढ़ते जाओ। उसको स्टोर करिए मरकरी को, कंटिन्यू कुछ ना कुछ एलोबरेट करते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जो आपको बेस्ट लगे। आज की डेट में आप में से मेरे को कोई अगर बेस्ट लग गया तो मेरे को चिंता नहीं होगी आपसे कुछ भी सीखने में। और पहले के समय में ये कहानियां देखने को मिल जाती है कि एक टाइम तक गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहा है, टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, और जब उसने जांच लिया, परख लिया, समझ लिया कि मेरा जो शिष्य है वो मेरे से ज्यादा आगे बढ़ चुका है, मेरे से ज्यादा जान चुका है, तो ऐसा हमारे गुरुओं ने पहले किया है कि फिर शिष्य को आसन पर बैठा दिया और खुद जाके नीचे बैठ के पढ़ने लगे। तो ये जो मूवमेंट है वो आपके मरकरी को स्ट्रांग कर देता है। मरकरी स्ट्रांग हो गया, जो कह दोगे, क्योंकि मरकरी आपकी वाणी भी है, जो कह दोगे वो मिथ्या नहीं जाएगी, सरस्वती बैठ जाती है फिर आपकी जबान पे। यही सब तो चाहिए एक ज्योतिषी में, यही गुण तो हम देखना चाहते हैं, है ना। तो ये चार ग्रह अगर सही कर लिए, मजबूत कर लिए, उनको कई तरीके हैं मजबूत करने के, मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इनको पूजा पाठ के द्वारा सही कर लो, आराधना के द्वारा पॉजिटिव करने की कोशिश करो, कोई शास्त्र पढ़ के पॉजिटिव करने की कोशिश करो, या जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसके माध्यम से सही करने की कोशिश करो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, बीएनएन क्यों? बहुत साइंसेस हैं, भृगुनंदी नाड़ी ही क्यों? और मेरे से अभी कई लोग पूछ रहे थे कि अगर किसी को इनिशियल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करनी है, एस्ट्रोलॉजी को अगर स्टार्ट करना है, एस्ट्रोलॉजी को अगर पढ़ना है, तो वो श्रृंखला क्या होगी, वो शुरुआत कहाँ से होगी? तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं आपसे, मेरा एक्सपीरियंस ही बताऊंगा। मैंने शुरू से ही, जब से मैंने जन्म लिया, तो लगभग 12-13 साल की उम्र से ही मैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा हूँ। मेरे बाबा बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, इवन वो बहुत बड़े तांत्रिक भी थे, तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। और शायद उन्होंने ही बोला था कि ये या तो बहुत बड़ा ज्योतिषी बनेगा या तो
ये सर्जन डॉक्टर बनेगा। तो मेरे फादर ने उसी समय डिसाइड किया था कि सर्जन डॉक्टर बनाना तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे को ज्योतिष आती है तो मैं ज्योतिषी तो इसको बना सकता हूँ। मेरी पूरी फैमिली एस्ट्रोलॉजर है, पूरी फैमिली मेरी एस्ट्रोलॉजर है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष को लेके, मैंने 10-15 साल केवल पराशरी को ही पढ़ा, 10 साल तो कम से कम पराशरी को पढ़ा। और जब पराशरी को पूरी तरह से पढ़ लिया 10-5 साल, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि केवल और केवल पराशरी के बेसिस पर काम नहीं चल सकता। फिर जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान गया, मैंने सब चीजों को पढ़ने की कोशिश करी। और अब मैं आपको कंक्लूजन देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है, ज्योतिष में अपना करियर बनाना है, या ज्योतिष को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, तो दो साइंस को सबसे पहले पढ़ना, तीसरी साइंस की तरफ मत जाना। इवन पराशरी को भी मैं नहीं बोलूंगा, वो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष की, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी या पराशरी ज्योतिष। लेकिन आपके मतलब की शुरुआत में दो साइंस ही आएगी, एक केपी एस्ट्रोलॉजी और एक बीएन। प्रिडिक्टिव पार्ट को मजबूत करना है केपी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, लाइफ मैनेजमेंट पे बात करना है बीएनएन पढ़ लीजिए। दो साइंस पढ़ते ही आप प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ो। अब मैं 10 साल या अभी तक मैं पराशरी का स्टूडेंट हूं, इवन मेरे पास पराशरी ज्योतिष की सारी बुक्स रखी हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप पराशरी के ऑस्पेक्ट से जाओगे ज्योतिष सीखने के लिए, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। किसी एक चीज की आंसरिंग करने के लिए 50 जगह दिमाग आपको दौड़ाना पड़ता है। सपोज किसी का करियर उठा के आपको देना है, तो आप लगन भी देखोगे, चंद्र कुंडली भी देखोगे, चलित भी देखोगे, उसके बाद दशमांश कुंडली भी देखोगे, उसके बाद अष्टक वर्ग भी देखोगे, उसके बाद षडबल भी देखोगे, ठीक है, उसके बाद और भी तमाम चीजें उसको आप देखोगे, फिर आप एक क्लैरिफिकेशन पे पहुंचोगे कि भाई तुमको अब किस करियर में जाने के लिए मेरे को बोलना है। मैं किसी साइंस को कमतर नहीं बता रहा, हर साइंस की अपनी 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 जो है वो स्पेशलिटी है। और जितनी साइंस का जन्म हुआ है वो सब कहीं ना कहीं पराशरी की कोख से जन्म लिया है। लेकिन बीएनएन जो है, भृगु नंदी नाड़ी में भी जो भृगु संहिता है, वो पराशरी ज्योतिष के पहले उसका पदार्पण हुआ है। इसलिए वहां पे भाव की गणना नहीं है, वहां पे हाउसेस की वैल्यू नहीं। और आपको पता है बीएनएन कहां से आई, भृगु संहिता और नंदीश्वर जी की जो नंदी नाड़ी थी, उन दोनों को कंक्लूजन किया आरजी राव साहब ने, और उसका नाम पड़ गया भृगु नंदी नाड़ी। भृगु संहिता अलग है, वो भृगु ऋषि ने लिखी, और नंदीश्वर ने नंदी नाड़ी लिखी। इन दोनों का जो कंक्लूजन आया वो हो गया भृगु नंदी नाड़ी, और इसको आरजी राव साहब ने लिखा। केपी एस्ट्रोलॉजी अभी 70-80 साल पहले उसका वो आई है, उसका जन्म हुआ है। और भृगु नंदी नाड़ी भी बहुत पुरानी नहीं है, बहुत प्राचीन नहीं है, उसका अभी जन्म हुआ। हमारे जो ये जो होके गए हैं, चाहे कृष्णमूर्ति जी हो, चाहे आरजी राव साहब हो, उन्होंने बहुत कुछ जो मतलब की चीजें हैं वो हमारे आपके लिए इन दो ग्रंथों में पूरा का पूरा समेट दिया, कि जो हम वर्षों तक जो साधना करें, वर्षों तक जिस चीजों में लगे रहें, उनको बहुत ज्यादा इजिएस्ट मेथड में और बहुत इजिएस्ट तरीके से हमें आपको परोस दिया है, भृगु नंदी नाड़ी के रूप में और कृष्णमूर्ति जी ने केपी ज्योतिष के रूप में। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ना चाहे इनिशियल स्टेज से और बहुत जल्दी करियर बनाना चाह रहा हो, तो इन दो साइंस पर ध्यान दे दो, उसके बाद पराशरी भी पढ़ो, उसके बाद जितने पढ़ना है पढ़ो, एस्ट्रो वास्तु से दुनिया भर की चीजें सब पढ़ो, कोई चिंता नहीं है। लेकिन पहले इसको पढ़ लेना तो आपको ज्योतिष थोड़ी आसान लगने लगेगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इजीएस्ट वे में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी, और हम तक बहुत इजीएस्ट वे में डिलीवर किया इन लोगों ने चीजों को, फॉर्मूले उसको, है ना, जो चीजें मतलब की थी। मतलब एक चीज कह सकता हूं, ये जो दो साइंसेस हैं, ये पराशरी और भृगु संहिता या जितनी भी साइंसेस हैं, उनका रिफाइनरी वर्जन है, उनसे अलग नहीं है। क्योंकि जिन चीजों को आप पढ़ रहे हो, जिन चीजों को आप यूज कर रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं भृगु संहिता या पराशरी ज्योतिष से ही निकल के आई है। चाहे आप ग्रह की बात करो, राशि की बात करो, ट्रांजिट की बात करो, तो मैं एक बात आपको बोलूंगा, पराशरी ज्योतिष फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, डेफिनेटली है। लेकिन बच्चों को पहले पढ़ लो, वो थोड़ा इजिएस्ट वे में है, उसके बाद फिर पिता को भी पढ़ लेना।
है ना, अपने लेवल वाले लोगों से पहले दोस्ती कर लो जो हमारे आपके मतलब के हैं, उसके बाद फिर जिनसे दोस्ती करना है कर लेना, ये मेरी तरफ से है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप करिए। हर साइंस की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, पराशरी ज्योतिष की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन पराशरी के इतने रूल्स हैं, इतने टेक्निक्स हैं, उनको जब तक 2 साल आप वक्त नहीं दोगे, 2 से 2.5 साल जब तक आप वक्त नहीं दोगे, तब तक पराशरी ज्योतिष को आप पचा नहीं पाओगे। पराशरी ज्योतिष हाथी की तरह है और हाथी को खत्म करने के लिए, उसको खाने के लिए कई वर्ष तक लगेंगे, कई मंथ तक लगेंगे आपको, फिर आप उसको पचा पाओगे। और ये जो कृष्णमूर्ति जी की पद्धति है और ये जो BNN एस्ट्रोलॉजी है, इनको थोड़ा सा आप ये समझ लो कि शेर की तरह है, सिंह की तरह है, है ना, कि भले उतने मोटे नहीं है, भले उतनी चीजें इसमें इतना बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आप इनको इजिली जो है वो काम में ले सकते हो, बहुत आसानी से आप काम में ले सकते। तो मैंने मेरा कंक्लूजन देने की कोशिश करी, हर साइंस की अपनी एक स्पेशलिटी, KP एस्ट्रोलॉजी को प्रेडिक्टिव पार्ट के लिए ही बनाया गया मुख्य तौर पर, और भृगु नंदी नाड़ी को लाइफ मैनेजमेंट के लिए बनाया गया, कर्म को सही करने के लिए, अपनी डेस्टिनी को पढ़ने के लिए, अपनी डेस्टिनी को सही करने के लिए, अपने डेस्टिनी को चेक करने के लिए कि आपने क्या किया और आपके साथ क्या गलत हो जाएगा, इन सारी चीजों की व्याख्या BNN एस्ट्रोलॉजी में है। पहले क्या जरूरी है ये कोई और साइंस नहीं बता सकती। अब किसी का शनि का कॉम्बिनेशन सपोज दूसरे भाव से बन जाए, एज पर पराशरी दशम भाव का संबंध दूसरे भाव से बन जाए, तो पराशरी ज्योतिषी क्या कहेगा, भाई दूसरे भाव से संबंधित काम कर लो, ठीक है, दूसरे भाव से संबंधित काम कर लो। KP एस्ट्रोलॉजर भी यही बोलेगा, 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर दूसरा भाव दिखा दे तो दूसरे भाव से संबंधित काम कर लो। लेकिन भृगु नंदी नाड़ी ये बताएगी कि जो काम करने जा रहे हो उसमें पैसा पहले चाहिए या पैसा बाद में आएगा। आज की डेट में हर व्यक्ति है जो बिजनेस करना चाहता है और बिजनेस से खूब पैसा बनाना चाहता है, ये हर साइंस नहीं बता पाएगी कि पहले पैसा कमा के बिजनेस करने जाना है या बिजनेस चालू कर दो फिर पैसा आना चालू हो जाएगा, ये केवल और केवल BNN बता सकती है। 9th का और 7th का कॉम्बिनेशन एनी हाउ बन जाए तो हम क्या कहते हैं कि शादी करने से भाग्योदय हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन इस बात को क्लैरिफिकेशन BNN ही केवल करती है कि पहले शादी करना है कि पहले करियर बनाना है। पहले आपके लिए क्या जरूरी है ये केवल और केवल BNN की ही देन है, BNN ही केवल इस बात को बता सकता है। पहले किस चीज की इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, क्या नहीं करना है आपको आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ को बैलेंस मोड में कैसे लेके आना है। आपके साथ अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, उसका मूल कारण क्या है, ये BNN क्लियर कर सकती है। आपको अपनी लाइफ को जीना कैसे है, आपका पोटेंशियल कहाँ है, आपकी इनर स्किल क्या है, आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, आपको लाइफ के किस मोमेंट में क्या चाहिए, ये हो सकता है सारी साइंस बता दे, लेकिन उसमें जो क्लैरिफिकेशन लेके आएगा कि पहले आपको क्या चाहिए, ये केवल और केवल BNN ही बता सकता है। अभी मैंने आपको बताया 7th और 9th का अगर एक्सचेंज हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई आप शादी कर लीजिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और वही कॉम्बिनेशन कुंडली में सैटर्न वीनस या सैटर्न के साथ जब वीनस बैठता है तो कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जब आपको BNN आ रही होगी, जब आप डिग्रिकली सैटर्न और वीनस को चेक करने की कोशिश करोगे और अगर वीनस सैटर्न से पहले दिख गया तो एस्ट्रोलॉजर ये बोलेगा भृगु नंदी नाड़ी वाला, पहले शादी कर लो उसके बाद ही करियर सेट हो पाएगा, और अगर सैटर्न के आगे वीनस मिल गया तो फिर भृगु नंदी नाड़ी वाला ज्योतिषी बोलेगा आपसे, BNN वाला ज्योतिषी बोलेगा पहले करियर बना लो तभी आपको सुयोग्य औरत मिलेगी या सुयोग्य वाइफ या सुयोग्य आपको स्पाउस मिलेगा। पहले क्या चाहिए और बाद में क्या आएगा ये केवल और केवल BNN बता सकता है। कई लोग पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे होंगे आप में से,
या कई लोग चाहते भी हैं जाना। तो पॉलिटिक्स से पैसा आएगा कि किसी धंधे से पैसा बनाना है पहले, किसी बिजनेस से पहले पैसा बनाना है कि पहले कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करनी है उसके बाद पॉलिटिक्स में जाना है, कोई साइंस नहीं बता सकती, केवल और केवल बी आनंद बताएगी। तो अगर आप भृगुनंदी नाड़ी पढ़ने जा रहे हो तो एक बात गांठ बांध के बैठ जाओ कि आप प्रिडिक्शन भी कर पाओगे, किसी का लाइफ मैनेजमेंट भी कर पाओगे, बेस्ट रेमेडीज भी दे पाओगे, और सबसे बढ़िया जो रेमेडी है किसी को लाइफ मैनेजमेंट दे देना, किसी को पूजा में नहीं उलझाना, किसी को जेमस्टोन में नहीं उलझाना, किसी को दुनिया के प्रपंच में नहीं फंसाना, उसको सही से बता देना कि तेरी डेस्टिनी का अलाइनमेंट क्या है, तेरा जो डेस्टिनी का अलाइनमेंट है या मेरी जो डेस्टिनी का अलाइनमेंट है वो एक्चुअल में क्या है। और जैसे ही आपको वो पता चलेगा तो पहले वो करने लग जाओगे जो आपके लिए जरूरी है, बाद में वो चीज भी आ जाएगी जो आप चाह रहे हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप चाहते क्या हो और आपको करना क्या है जिससे वो चीज आपको प्राप्त हो जाए, ये केवल और केवल बीएनएन ही बता सकता, केवल भृगुनंदी नाड़ी ही आपको बता सकते। कोई भी साइंस पढ़ोगे ट्रांजिट की बात तो आती है, पराशरी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ट्रांजिट सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। केपी ज्योतिष पढ़ोगे तो उसमें रूलिंग प्लेनेट ट्रांजिट के रूप में यूज होते हैं, वो भी आपको पता होगा जिन्होंने अगर पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिट को अगर आपने ढंग से पढ़ना है, ट्रांजिट को अगर आपने तरीके से पढ़ना है, ट्रांजिट को अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है तो वो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ने के बाद ही आप क्लेरिफिकेशन कर पाओगे। अदर साइंस पढ़ के ट्रांजिट पे कमांडिंग कभी पूरी जिंदगी नहीं किया, और इस बात को सिद्ध भी किया है। सारी साइंस फेल हो जाती हैं जब कोई भी आपके पास प्रश्न आता है, क्वेश्चंस आता है, तो उस समय क्या बात होती है, प्रश्न कुंडली बनाओ, प्रश्न कुंडली बनाओ, प्रश्न कुंडली बनाओ, और प्रश्न कुंडली बता देती है कि क्या करना है आपने। अगर किसी की कुंडली नहीं है या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर चार्ट में होता ही नहीं, अब कोई आपके पास व्यक्ति आ गया और आपसे बोल रहा है कि मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 शादी के रिश्ते हैं, अब इन 5 में से मैं किससे शादी करूं, तो ये तो कुंडली देख के तो नहीं बता पाओगे ना कि कौन आपके लिए बना है। हाँ, कोशिश करी जा सकती है कि कौन लड़के का करेक्टरिस्टिक कैसा है और आपके चार्ट में जो स्पाउस का है वो करेक्टरिस्टिक कैसा है, उसको आप हर चार्ट में चेक करके प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन, अगर आप पराशरी से जा रहे हो नवमांश कुंडली को देखते हुए, केपी से जा रहे हो सेवंथ लॉर्ड देखते हुए, सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड देखते हुए, आप कोशिश कर सकते हो। और मान लो सेम ही करेक्टरिस्टिक वाले सारे मिल गए तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे फिर हेल्प ली जाती है। किसकी हेल्प ली जाती है, ट्रांजिट की। वहां पे किसकी हेल्प ली जाती है, प्रश्न कुंडली। और फिर वहां पे बताया जाता है कि भाई अकॉर्डिंग टू योर डेस्टिनी आपको इस जगह जाना चाहिए। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास अभी एक लड़की को मेडिकल करने के लिए बाहर जाना था, तो उसके घर वाले बोल रहे थे रसिया जाओ। तो उनके पास 4-5 ऑप्शंस थे 4-5 कंट्री में जाने के। तो मेरे पास आया, मैंने कहा भाई कहाँ कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, मेरे को एक लिस्ट बना के दे दो आपकी प्रायोरिटी वाइज, मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस कंट्री में जाना ठीक है। जब उनकी प्रायोरिटी वाइज लिस्ट आई, मैंने कहा बेलारूस भेज दो, मना कर दिया उन लोगों ने। बोले सर बेलारूस की फीस बहुत ज्यादा है और मेरा मन नहीं है जाने का। एंड ऑफ द डे उनको बेलारूस ही जाना पड़ा। उनका मेन जो मतलब था, मन था, वो रसिया जाने का था, बट एंड ऑफ द डे उनको बेलारूस ही जाना पड़ा। और बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि रसिया जाने में प्रॉब्लम ज्यादा है, बेलारूस ज्यादा सही है, ठीक है। वहां पे प्रश्न कुंडली जो काम करती है वो कैसे काम करती है, ट्रांजिट ही होता है पूरी तरह से। तो हर साइंस आपको ट्रांजिट फिनोमेना सिखाती है। प्रश्न कुंडली को अगर आप कभी पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, तत्काल ही गोचर जो बनता है, तत्काल का जो ट्रांजिट होता है, उसी को ही हेल्प में लिया जाता है। और उस चीज को आप बीएनएन में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, हर प्लेनेट का आप ट्रांजिट पढ़ते हो। तो एक्यूरेसी के मामले में, प्रेडिक्शंस के मामले में, रेमेडीज के मामले में, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, कब आपको क्या चाहिए पहले, उस चीज के मामले में अगर आप बीएनएन को पढ़ रहे हो तो ये मेरी गारंटी है कि आप पूर्ण साइंस को पढ़ने जा रहे हो। कोई लाल किताब पढ़ना चाह रहा होगा, कोई कुछ करना चाह रहा हो, कोई और कुछ पढ़ना चाह रहा हो, पढ़ लेना, कोई जल्दी नहीं है। जब आप इसमें आई गए हो ना, जब समंदर में छलांग लगानी है, तो पहले मछली मिलेगी कि पहले सोना मिलेगा कि पहले सीप मिलेगी, फिर क्या सोचना। लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब जाओगे ना, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ी सी मजा आने लग जाएगा
थोड़ा सा आपको उसमें आनंद आने लग जाएगा, थोड़ा आप उसको एंजॉय करने लग जाओगे। और जब आपको किसी चीज का टेस्ट और फ्लेवर मिल जाता है, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आपको बाहर से दिखाती हैं कि 50 रुपए का बर्गर है, और अंदर जब आप जाते हो तो 250 का बिल आता है आपके पास, वो 50 वाले को शो ही नहीं करते, लेकिन 50 रुपए के चक्कर में आप अंदर एंटर कर जाते हो। सेल के रूप में आप अंदर जाते हो, सेल के रूप में फ्लिपकार्ट अमेजोन में उन चीजों को भी खरीद लेते हो जो अननेसेसरी होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये जो आपकी बीएनएन है, ये आपका इंटरेस्ट डेवलप कर देती है। इसलिए आगे अगर जितनी भी साइंसेस को आपको पढ़ना है, अगर आपने पहले इनको पढ़ लिया तो आप आगे जितनी भी साइंसेस हैं उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। बाकी आप में से बहुत लोग होंगे जिनको ऑलरेडी बहुत सारी साइंसेस का कमांड होगा भी, उनको मेरा प्रणाम भी है। लेकिन मेरे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस था, जो नए लोग हैं जो मेरे से कुछ हेल्प लेना चाहें कि पहले क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, उनकी मैं थोड़ी सी हेल्प करना चाह रहा था। यहां तक क्लियर हो गया? जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को टच करोगे तो उसमें 3-4 चीजें मुख्य रूप में हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, जिस साइंस को आप पढ़ने जा रहे हो वो भृगु ऋषि की मुख्य देन है, भृगु ऋषि की मुख्य देन है। और भृगु ऋषि कोई साधारण साधक या कोई साधारण संत या कोई साधारण ऋषि नहीं थे। आज की डेट में भगवान को पा लेना ही बहुत बड़ी चीज है किसी व्यक्ति के लिए, किसी संत के लिए। भृगु ऋषि का जो दायरा था वो थोड़ा और लंबा था। उन्होंने केवल भगवान को पाया नहीं था, वो भगवान के छाती पर लात मारने की भी सामर्थ्य रखते थे। आपको पता है, कहानी सुनी होगी आपने कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती पर पद प्रहार किया था। आप समझ सकते हो किसने लिखी है इस साइंस को, आप इमेजिन भी कर सकते हो। प्रश्नवाचक लगाने के लिए तो 50 लोग खड़े हो जाएंगे, ज्योतिष कुछ नहीं करती है। 50 लोग खड़े हो जाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं करती है, पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। जिसका इतना अचीवमेंट था कि वो केवल, जिसने भगवान को पाया नहीं था बल्कि भगवान को मार भी लगाने की सामर्थ्य रखता था, और भगवान विष्णु का औदार्य देखिए कि वो भगवान विष्णु भृगु ऋषि का पैर चूम के बोल रहे हैं कि मेरा वज्र जैसी कठोर छाती और तुम्हारे कोमल से पांव, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई। बात समझ पा रहे हैं? तो किसी, जितने भी अगर पराशरी ज्योतिष की आप बात कर रहे हो तो वो भी किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी है, सब ब्रह्मर्षि रहे हैं जिन्होंने लिखी है। आपके पास, हमारे पास आज किसी भी तरह से एस्ट्रोलॉजी है, हमारे हाथ में अगर है तो वो इतनी साधारण नहीं है जितना हम आप समझते हैं, जितना हम आप उसको लाचार समझ रहे हैं आज की डेट में, उतनी वो लाचार है नहीं, ठीक है। तो अगर आप फेथ कर रहे हो, अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हो, अगर आप इस पर आपका विश्वास है, दृढ़ निश्चय है आपका, तो ये आपको बहुत कुछ दे सकती है, क्योंकि ज्योतिष को ब्रह्म विद्या भी बोला गया है, कुछ शास्त्रों ने इसको ब्रह्म विद्या के नाम से भी बोला है। तो आप दुनिया की जो भी एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की जितनी भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज हैं, उनमें ये 2-3 साइंसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें पराशरी ज्योतिष तो मुख्य है ही, भृगु ऋषि की भृगु संहिता या आरजी राव साहब की भृगु नंदी नाड़ी और कृष्णमूर्ति जी की केपी एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद फिर आप लाल किताब करना चाहो लाल किताब कर लेना, जो करना चाहो कर लो। मैं ऐसा नहीं कि मेरे को केवल यही आता है इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, मेरे को जितनी आप कहोगे सब आती है, ठीक है। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास पे आते हैं। तो ज्योतिष जो है उसका जो बीएनएन के हिसाब से जो विभागन है, जो उसका विभाजन है, वो राशि के आधार पर है, प्लैनेट्स के आधार पर है, कॉम्बिनेशंस के आधार पर है, ट्रांजिट के आधार पर है और प्रोग्रेशन चार्ट के आधार पर है। राशि के आधार पर है, प्लैनेट्स के आधार पर है, कॉम्बिनेशंस के आधार पर है, ट्रांजिट के आधार पर है
और प्रोग्रेशन क्या रहे। सबसे पहले मैं आपको राशि पढ़ाने लगा, एक बात फिर से क्लियर कर दूंगा, जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो इसको केवल बीएनएन में नहीं, दुनिया की जिस भी साइंस की टेक्निक में इसको यूज कर लोगे, यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे, लगाने की कोशिश करोगे, वहां भी आपको एक्यूरेट ही प्रिडिक्शंस आएंगी। जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चीज हो सकता है किसी बुक में आपको ना भी मिले, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे हो, जब इसको आप आत्मसात करोगे, मैं बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से। तो साधारणतया राशियों को कैसे पढ़ना है, प्लैनेट्स को कैसे पढ़ना है, और उसके बाद जब आपने इसको पढ़ लिया तो ये आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे, अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, अपने आप आपको समझ में आने लग जाएंगे प्लैनेट्स क्या कैसे वर्क करते हैं, राशियां कैसे वर्क करती हैं, उनके कॉम्बिनेशंस को कैसे देखा जाता है। इन सारी चीजों को आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पढ़ पाएंगे। राशियां पता होंगी आप सभी को कितनी होती हैं, तो टोटल 12 राशियां होती हैं, जिनको नहीं पता है वो लिख लें, 12 राशियां होती हैं। मेष, उसको इंग्लिश में एरिस भी बोलते हैं, वृषभ इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, मिथुन उसको जेमिनाई बोलते हैं, कर्क इसको कैंसर बोलते हैं, सिंह इसको लियो बोलते हैं, कन्या इसको वर्गो बोलते हैं, तुला लिब्रा, वृश्चिक स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस मतलब धनु राशि मतलब सेजिटेरियस, मकर राशि जिसको 10 नंबर राशि भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे कैप्रिकॉन कहते हैं, 11 नंबर कुंभ राशि इसको एक्वारिस बोलते हैं, 12 नंबर मीन राशि इसको पाइसेस बोलते हैं। कभी आप मेष राशि का सिंबल देखोगे, जो ज्योतिष में बताया गया उसका जो सिंबल, जो उसकी आकृति बताई गई है वो कैसी है, भेड़ की तरह है कि नहीं है, शीप। और शीप जो है वो ऊपर ना देखकर जमीन की तरफ देख रही है, ऊपर नहीं देख रही है, वो जो शीप है ना वो ऊपर नहीं देख रही है, वो कहां देख रही है, जमीन पर देख रही है। इसलिए मेष राशि को भेड़ से संज्ञा करी गई, शीप से संज्ञा करी, क्यों करा गया, तो मैं पूरे तो करेक्टरिस्टिक्स मेरे को बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जो मेन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पहले याद करने की कोशिश करो, बाद में सब समझ आ जाए। एरिस राशि के पास, मेष राशि के पास जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है एडमायर, ऐसे लोग थोड़ा एडमायर वाले होते, जमीन की तरफ देख रहा है, इसलिए उसका ध्यान जो होगा वो जमीन से जुड़ा हुआ है। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है वो है एडमायर क्वालिटी। अभी आगे मैं एट्रीब्यूट्स बताऊंगा, लेकिन अभी आप लिखते चले जाओ, जो चीजें मैं अभी आपको बोल रहा हूं उसको आप अभी लिखते चले जाइए। कि तो मेष राशि के पास जो एक क्वालिटी है, जो एक अपना उसका नेचर है, वो कैसा नेचर है, एडमायर वाला नेचर। ऐसे लोग कुछ भी करें लेकिन ध्यान कहां होगा, जमीन पे। ध्यान कहां होगा, जमीन पे। मेष राशि जो है ना वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी है, क्विक एक्शन टेकर भी है, लेकिन क्विक एक्शन टेकर में अगर शीप नीचे देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लाइफ में कुछ भी करते रहो
किसी भी ऑस्पेक्ट से, लेकिन आपका ध्यान जो है वो नीचे रहना चाहिए, नीचे आपको ध्यान रखना है हमेशा। ध्यान कहां रखना है आपने? नीचे रखना है। टॉरस क्या है? टॉरस का शेप अगर आप देखोगे कैसा है, बैल है, बुल, बुल का काम क्या है, हार्ड वर्कर, मेहनती। बैल को कहां लगाया जाता था पहले? जोतने के लिए, थोड़ी देर के लिए लगाया जाता था, कॉन्टिन्यूअसली जोतने के लिए लगाया जाता था। तो इस साइंस, इस साइन के पास जो एट्रीब्यूट है, हार्ड वर्कर है, कॉन्टिन्यूअसली काम करने वाला है। अभी मैं आगे जब प्लेनेट पढ़ाऊंगा और कौन सा प्लेनेट किस राशि में है उसको जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगा कि कहां पे आपको कॉन्टिन्यूअसली काम करना है और कहां पे आपको हार्डवर्क करना है, किस चीज के आसपास। एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे से कह रहा, मेरी जो फैक्ट्री है, जो मेरा बिजनेस है, वो चल नहीं रहा। मैंने उसकी कुंडली देखी, कुंडली देखने के बाद मैंने देखा कि उसका जो मरकरी था वो 2 नंबर राशि, वृषभ राशि। मैंने कहा ये बताओ जब चल रही थी तो कितना टर्नओवर था? तो बोले कम से कम 100-200 करोड़ का टर्नओवर। हमने कहा अभी कितना टर्नओवर है? कह रहा अभी 100-200 करोड़ तो आप छोड़ दीजिए, 10-20 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले कोविड में थोड़ा सा मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई थी, उसका इफेक्ट मेरे बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा पड़ा। मैंने कहा ठीक है, जब पैसा आ रहा था उस समय 24 घंटे काम चलता था क्या, डबल या ट्रिपल शिफ्ट लगाते थे? बोले हाँ सर। हमने कहा बैल की तरह लगे रहते थे? हाँ सर। हमने कहा अभी शिफ्ट क्यों नहीं लगा रहे हो, 2 टाइम, 1 टाइम ही क्यों कर रहे हो? कह रहे सर मैंने स्टाफ ज्यादा बढ़ा दिया कि रात को मेरे को काम ना करना पड़े। मैंने कहा स्टाफ कम कर दो शिफ्ट वाइज, रात में काम करना पड़े ये भी कर लो। जब तक आपका बिजनेस कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलेगा, मैंने कहा आपकी फैक्ट्री बंद नहीं होना चाहिए, आप काम करो चाहे ना करो, आप फैक्ट्री एक दिन मत जाओ, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअसली रन करनी चाहिए, वो कॉन्टिन्यूअसली चलना चाहिए। खुद नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए लोग रखो, लेकिन अगर धंधा चलाना है, बिजनेस अगर बड़ा करना है, कॉन्टिन्यूअसली नहीं चलेगा तो बिजनेस आपका चलेगा नहीं, भले चाहे जितनी पूजा पाठ करा लो, भले चाहे जितना जो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वीनस 2 नंबर में आ गया। वीनस क्या है? पैसा है, अभी बात करूंगा प्लेनेट पे जब आऊंगा। वृषभ में पड़ा है, इनके वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं, शायद आप लोगों ने देखे हो, ना देखे हो तो देखना एक बार। और जो पढ़ा देता हूं, जो यूट्यूब पे डाल देता हूं, वो फिर मैं दोबारा पढ़ाता नहीं। तो जो यूट्यूब में वीडियो पढ़े हैं वो रिपीटेड नहीं होगा कुछ भी, ये आप समझ लो, मेरी हर एक क्लास की स्पेशलिटी है। लोग ये सोचते हैं कि शायद पिछली क्लास के कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो अगली क्लास पूरी चेंज ही कर देता हूँ मैं। पहले वीडियो डाल दिए उससे ज्यादा ही मिलेगा इस बार आपको, तो कुछ भी रिपीटेड नहीं मिलेगा, लेकिन एक एसेंस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। वीनस 2 नंबर राशि में, तो सेविंग्स जो है ना, वो ये मत सोचना कि और पैसा इकट्ठा हो जाए तब करेंगे। आपका जब तक एक कॉन्टिन्यूअसली सेविंग्स नहीं करोगे, पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहेगी। जो प्लेनेट के मैं आपको राशियों के जो एट्रीब्यूट बता रहा हूं ना, उनको बाद में जब आप प्लेनेट के साथ सिंक करोगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में आदमी कोई किसी भी चीज को लेके उसकी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए और वो कैसे चल रहा है। देखो आप किसी, अभी क्या होता है, आपको कोई चीज बड़ी करनी है, सपोज बिजनेस बड़ा करना है, काम को बड़ा करना है, हम क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जिसने अपने बिजनेस को बड़ा किया है उसने अपनी डेस्टिनी को पकड़ा है, उसने अपने प्लेनेट को पकड़ा है, उसने अपनी राशि को पकड़ा है, भले किसी ज्योतिषी के माध्यम से पकड़ा हो, भले प्रकृति ने उसको पकड़ा दिया हो। और हम भी कोशिश करते हैं उसकी तरह करें, हम भी सफल हो जाएं, यही तो करते हैं ना हम लोग। किसी
दोस्त का, किसी पड़ोसी का लड़का अगर आईएएस हो गया तो सबसे पहले मार अपने घर के लड़कों पे चलती है, वो कैसे बन गया, तू क्यों नहीं बन पा रहा है, अरे उसकी कुंडली में आईएएस बनने का योग है, तुम्हारे बच्चे की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का भी योग हो सकता है, हो, लेकिन तुम उसको आईएएस बनाने के चक्कर में राजनीति में कभी जुड़ने नहीं दोगे और पूरी लाइफ वो वैसे ही पड़ा रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। और अगर कोई हम में से, आप में से कोई सोचे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वो आईएएस बन गया, मैं भी बन जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सबकी अलग अलग डेस्टिनी है। लीडर तो सब बन सकते हैं, वो चाय बेचने वाला भी 100 करोड़ का बिजनेस कर सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा है, दुनिया का भी सबसे बड़ा सोनार भी टाटा होगी, तनिष्क। तो धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन आपने अगर अपने प्लैनेट्स को पकड़ा, राशि को पकड़ा। अच्छा, ये पता है प्लैनेट और राशियां क्या है? प्लैनेट और राशियां एक तरह की लैंग्वेज हैं, एक भाषा है, एक लिपि। कुंडली को अगर पढ़ना है ना, तो कुंडली आपकी एक लिपि है, एक भाषा है। जैसे ही आप पैदा हुए, बॉर्न, अब हाथ कोई देख रहा है तो इसमें क्या है, रेखाएं हैं, इसमें तो क्या सूर्य कहीं लिखा है, चंद्रमा कहीं लिखा है, कोई कुछ लिखा है कहीं पे? अब बेवकूफ लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में ये ग्रह है तो सूर्य मेरे ऊपर थोड़ी कृपा कर रहा है। भाई सूर्य कृपा कर चुका है ऑलरेडी। सूर्य अगर आपकी किसी चीज को दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको अगर फेम मिलेगा तो किस चीज से मिलेगा, क्या करके मिलेगा। और आप देखो सक्सेसफुल लोगों को, कुमार विश्वास का तो नाम आप सब जानते होंगे, पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी में बड़ा लीडर बनना चाह रहा था, प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के बराबर आना चाह रहा था, निकाल दिया गया। वहां लीडरशिप चली? नहीं चली। लीडर कहां पे है? जो कवि इंडस्ट्री है, जो कविताओं की इंडस्ट्री है, जो पोएट की इंडस्ट्री है, उसमें लीडर है। इस पृथ्वी पर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लीडर नहीं बन सकता। अपनी सब डेस्टिनी लिखा के लाए हो, सब लोग बड़े से बड़ा बनने के लिए आए हो, किसी की कुंडली छोटी नहीं है, किसी की बड़ी नहीं है, सब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबकी जो संचित कर्म है उनका प्रभाव अलग अलग है, सबका दृढ़ और अदृढ़ कर्म अलग अलग प्रकार से है, वो आपको गाइड करता है या मिसगाइड करता है। और यही काम एक ज्योतिषी करता है, यही काम एक काउंसलर करता है, यही काम एक कंसल्टेंट करता है, कि आपसे आपको परिचय करवा देता है कि आपको जो चीज चाहिए, जो चीज अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज को आप अचीव कैसे करोगे आपकी लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, एक तरह की लैंग्वेज है जिसको ज्योतिषी पढ़ता है, कि आपको करियर अगर बिल्ड करना है तो कैसे करना है, उसकी शुरुआत कहां से होगी, वो उसका तरीका क्या होगा। तो एक्चुअल में बीएनएन जो है वो आपको किसी भी चीज का तरीका बता देती है, प्रोसेस बता देती है। जैसे किसी को आईएएस बनना है तो केवल पढ़ के भी नहीं बन सकता, किसी को सीए बनना है तो उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है ना, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, तब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, या आप एक डॉक्टर बनोगे, या आप एक इंजीनियर बनोगे, उसका एक प्रोसेस होता है। और कॉलेज में या कोचिंग्स में आप वो प्रोसेस ही तो सीखने जाते हो ना। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको प्रोसेस बताती है कि पैसा किन तरीकों से आएगा, करियर किस तरीके से बिल्ट होगा, आपको सक्सेस किस रूप में मिलेगी, पहले क्या चाहिए। अब किसी का शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हो चार्ट में, सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन है, पूरी लाइफ फटे हाली में जाने वाली है उसकी, लेकिन जिस भी काम को करना चाहेगा दिल से, उस काम को करते समय नियति किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं लाने देगी, किसी भी तरह से पैसे की कमी नहीं आती है सैटर्न सन कॉम्बिनेशन वाले की, उसके काम बनते चले जाते हैं जो भी वो चाहता है। लेकिन वो ये सोचे कि मेरे पास 200 300 करोड़ का, 1-2 करोड़ का बैंक बैलेंस हो तब मैं कोई काम करूंगा, पूरी लाइफ वो बैंक को जोड़ता ही रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी से पूछने जा रहे हो ऐसे ही, तो वो तो अपनी फिलॉसफी बताने वाला है ना, वो तो अपने सक्सेस का मंत्र देने वाला है ना, जैसे वो सब सफल हुआ है, जैसे उसने सक्सेस गेन करी है, वो वही तो आपको बताएगा ना, वही तो डिलीवर करेगा। लेकिन आपकी डेस्टिनी कुछ और है, आपका तरीका कुछ और है। हो सकता है उसको अपनी सक्सेस बिल्ड करने के लिए पहले पैसे का सहारा लेना पड़ा हो,
तब उसकी सक्सेस बिल्ट हुई हो, लेकिन आपको सक्सेस का नहीं पावर का सहारा लेना पड़ेगा, आपको लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, आपको अपनी पोजीशन बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर आपको सक्सेस मिलेगी। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको तरीका बता देती है। इसके आगे बढ़िए, जेमिनी। जेमिनी क्या है? सिंबल देखोगे, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है। जो लड़का है गुलदस्ता लेके एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, और जिसके पास ताकत है वो पीछे जाने की कभी नहीं सोचता। और दुनिया का सबसे बड़ा टास्क जानते हो क्या है? किसी को प्रपोज करना। उसके लिए बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए, अगर किसी ने अपने लाइफ में किया। मेरे को तो वो मोमेंट मिला नहीं भगवान की कृपा से, लेकिन जिसने किया है उसको पता है कितनी ताकत, कितना ताकत चाहिए आपको किसी को प्रपोज करने के लिए। और सिंबल बहुत इजीएस्ट वे में कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो जेमिनी के पास जानते हो क्या है? अपनी ताकत है, इनर स्ट्रेंथ है। ऐसे लोग, ठीक है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। मतलब जेमिनी का एट्रीब्यूट बता रहा हूं, किसी का चंद्रमा कहां पड़ा है, सूर्य कहां पड़ा है, वो छोड़ दो, अभी वो बाद में बताएंगे, उस पर पूरी क्लास होगी आपकी। अभी केवल जेमिनी का एट्रीब्यूट समझने की कोशिश करो। प्रपोज करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, तो सबसे बड़ी हिम्मत किसके पास है? जेमिनी के पास। ऐसे लोग किसी भी तरह के सैक्रिफाइस करने की कोशिश नहीं करते, पीछे नहीं जाते, जो ठान लिया ठान लिया, उसमें आगे बढ़ना है मेरे। और सबसे बड़ी चीज, क्लैरिटी ना भी हो, कोई कन्विंस ना भी हो, फिर भी ट्राई करते हैं। बहुत हिम्मत है जेमिनी के पास। और जो सबसे बड़ी क्वालिटी है जेमिनी की, ऐसे लोग, मतलब जो जेमिनी की क्वालिटी है, ये ट्रस्ट नहीं करता किसी पे। कारण क्या है? कि प्यार में विश्वास बहुत कम ही हो पाता है। जो रिलेशनशिप में जाते हैं वो बहुत कम ही लोग हैं जो विश्वास कर पाते हैं। विश्वास के काबिल पहले बनना पड़ता है। शुरू में तो सबको लगता है ये लड़की उससे बात कर रही, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, ये लड़का उससे बात कर रहा है, इससे मतलब वो तो कुछ नहीं है, है ना? तो ये होता है। जेमिनी के पास ओपन हार्ट नहीं है। ओपन हार्टली नहीं है ये। प्यार में क्या जरूरी है? सब चीज एक्सप्रेस हो। और यही कारण है ये जो सिंबल दिखाया गया है, जब किसी को प्यार में सफलता नहीं मिलती तो फिर वो पॉइट बन जाता है, फिर वो राइटर बन जाता है, फिर वो बहुत कम्युनिकेशन करता है, है ना? तो ये जो इतनी क्वालिटी है सब जेमिनी की क्वालिटी है। प्यार में सफलता मिल गई, इसका मतलब इनर स्ट्रेंथ बहुत है। और प्यार में अगर सफलता नहीं मिली तो फिर आदमी कवि बनता है, राइटर बनता है, दुनिया के उपदेश देने वाला बन जाता है, दूसरे को मना करने वाला बन जाता है कि भाई ये प्यार व्यार सब धोखा है। ये बात सच है, जो जितना बड़ा पोएट है और जिस भी फील्ड का पोएट है, उसने उस चीज को आत्मसात किया और वहां से उसको धक्का लगा है, ठीक है? अभी मैं इसको और भी उसमें आऊंगा दूसरे रूप में। खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है, किसके पास? जेमिनी के पास। और ऐसे लोग अगर सक्सेस हो गए तो कॉन्फिडेंट आ गया, सक्सेस नहीं हुए तो दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। कॉन्फिडेंट बहुत है। और जिसके पास ताकत होगी वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सैक्रिफाइस कौन करता है? कमजोर व्यक्ति करता है।
कमजोर व्यक्ति करता है। ठीक है, कॉन्फिडेंट होता है किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे लोग स्कॉलर भी हो सकते हैं, स्कॉलर का साइन है जेमिनाई भी, एक्सप्रेस करने का साइन है जेमिनाई। एक पोएट क्या करता है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस ही तो करता है शब्दों के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, राइटिंग स्किल के माध्यम से। कैसा एक्सप्रेस करता है, जिसको एक्सप्रेस करना था उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वहां से एसेंस लेके अब पूरी दुनिया को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर किसी का शनि 3 नंबर में पड़ा हो, किसी का मरकरी 3 नंबर में पड़ा हो, किसी का वीनस 3 नंबर में पड़ा हो, तो समझ आ रही है, किसी भी चीज में, उस पर्टिकुलर चीज में सफलता पाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट चाहिए, और थोड़ी देर के लिए असफल हो भी गए तो वहां से सीख और नसीहत चाहिए, तब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। मान लो वीनस किसी का 3 नंबर राशि में पड़ा है, पैसा जोड़ लिया, पहले जोड़ना नहीं आ रहा था, किसी तरह से जोड़ भी लिया, और जोड़ने के बाद पैसा बचा नहीं पाए, पैसा आ बहुत गया लेकिन बचा नहीं पाए, तो अब ये नहीं कहना है किसी से जाके कि मेरे पास पैसा तो आया मेरे पास बचा नहीं, मेरे पास पैसा आया लेकिन मेरे पास पैसा बचा नहीं, किस कारण से नहीं बचा, वो कारण अभी आपके पास है। न्यूटन से किसी ने पूछा, इतने आविष्कार कर लिए हो अभी तक बल्ब क्यों नहीं बना है, तो न्यूटन ने कहा कि जितने भी मेरे असफल प्रैक्टिस रही उससे मैंने सीखा है कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता है, और आने वाले टाइम पे बल्ब बना लिया। आपका जो भी प्लेनेट 3 नंबर राशि में पड़ेगा, उस चीज को पाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट चाहिए। मरकरी है, धंधा बनाना है, कॉन्फिडेंट से आगे बढ़िए। फेल भी हो रहे हो, सफल नहीं हो रहे हो, कोई बात नहीं, सीखो क्यों सफल नहीं हुए, क्या कारण था, आप में दिक्कत थी या चूज गलत कर लिए। कभी आप प्रपोज किसी लड़की को करने गए तो गलती दोनों तरफ हो सकती है ना, हो सकता है वो लड़की भी आपको ना समझ पा रही हो, और हो सकता है आप उसके काबिल ना हो, या तो वो आपको नहीं समझ पा रही है, उसकी मानसिक हैसियत नहीं है आपको समझने की, उसकी अपनी मानसिक हैसियत नहीं है आपको समझने की, और ये भी हो सकता है कि आप उसके काबिल नहीं, और पूरी लाइफ रोना रोते रहोगे, जो भी प्लेनेट जेमिनी में बैठा रहेगा, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ। अगर जब गलत हुआ जब अच्छा हुआ, अगर उससे सीख लेते और आगे बढ़ लेते तो शायद उस पर्टिकुलर चीज में आपको वो प्रॉब्लम ना, किसी भी चीज से रिलेटेड, आगे बताऊंगा ये बात आगे होगी, अभी ये बात कहां होगी, आगे। रिलेशनशिप मेंटेन करने की आदत होती है ऐसे लोगों को, जेमिनी का एट्रीब्यूट, ठीक है। बच्चों जैसा बिहेवियर रहेगा, किसका, जेमिनी। जेमिनी का एक नक्षत्र जो है वो आद्रा भी है, जेमिनी में एक आद्रा नक्षत्र भी आता है, और महादेव और पार्वती जैसे एक रूप में रहते हैं ना, वैसा रहन सहन आपको करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो भी इसके पास है। और जेमिनी जो है ना वो बहुत गुड कम्युनिकेटर है। आपका मरकरी 3 नंबर में पड़ा है और आपको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाओगे। सैटर्न 3 नंबर पे पड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, जॉब अच्छी नहीं कर पाओगे। और वीनस 3 नंबर पे पड़ा है, विदाउट कम्युनिकेशन पैसा भी वेल्थ भी नहीं है। मेन चीजें टच कर रहा हूं, सारी टच कर सकता हूं बट बाद में करूंगा, जब प्लेनेट पे आऊंगा तो प्लेनेट पूरा पढ़ाऊंगा, अभी राशि पढ़ा रहा हूं, अभी राशि को पढ़ो और समझने की कोशिश करो बस। और एक बात बताएं, ज्योतिष में दिमाग नहीं लगाया जाता है, ज्योतिष पढ़ते समय सोचोगे ना कि मेरे को ये चीज मेरे माइंड में स्टोर क्यों नहीं हो रही, रट्टू तोता बनोगे तो ज्योतिष नहीं आएगी,
प्रैक्टिकल पर्सन बनने की कोशिश करिए, और जो पढ़ा है जो समझा है उसको लिख लिख के तैयार करिए, नोट्स बनाइए। आज की डेट में आप ऐसे लोग मिल जाएंगे कि कोई ज्योतिषी बचा नहीं होगा जहां पे कोर्स नहीं किया है किसी ने, और अभी भी ज्योतिष नहीं आ रही है। कारण जानते हो क्या है? लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, केवल पीडीएफ के भरोसे बैठे रहे, केवल नोट्स के भरोसे बैठे रहे। वो एक स्टोर होके पड़ा है, आपके यहां नहीं आया है। यहां स्टोर करने का प्रोसेस जानते हो क्या है? कोई भी विद्या तब तक फलीभूत नहीं होती जब तक वो आपके सबकॉन्सियस ब्रेन में नहीं जाती है, समझ लो। जब तक कोई चीज आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे नहीं जाएगी तब तक वो आपकी मेमोरी में नहीं आ सकती। और जब ये आप मुद्रा बनाते हो ना, लिखने वाली मुद्रा, जो पेन पकड़ते हो ना, ये जो मुद्रा बनती है, आपको पता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव कर देती है। ये जो मुद्रा बनती है ना, आप अगर पतंजलि योग को पढ़ोगे तो एक एक मुद्रा पे सारी बातें करी गई हैं। ये जो मुद्रा बनती है ये आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव कर देती है। लिख लिख के अगर पढ़ने का अभ्यास डाल दिया तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो लिखते जा रहे हो वो स्टोर होता जा रहा है। कभी आपको मेरे से मिलने का मौका मिले, मेरे अभी कभी आप ऑफिस आओ, या मेरे कभी आप जो मेरा रूम है जहां पे मैं, मेरे स्टडी रूम है जो मेरा, इतनी मोटी मोटी कॉपियां मिल जाएंगी आप। मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा लिख लिख के ही सीखा है। आज भी मेरे को टाइपिंग नहीं आती, लैपटॉप मेरे को नहीं आता, मेरे पास आईपैड भी है, मैं अभी भी उसी पे ही लिखता हूं। अगर मेरे को कुछ डिजिटल भी लिखना है तो मैं टाइप नहीं करता, मैं मेरे आईपैड पे ही लिखता रहता हूं। कारण जानते हो क्या? मैं आपको इजिएस्ट वे दे रहा हूं किसी चीज को लर्न करने का, किसी चीज को सीख करने का, किसी चीज को स्टोर करने का। और जिस दिन मेरे को यह तरीका पता चला उस दिन मेरा दिमाग खुल गया अपने आप कि ज्योतिष कभी भी, अभी हम लोग क्या करते हैं, एस्ट्रो सेज ऐप मिल गया है तमाम ऐप है, कोई कुंडली देखनी है भाई देख लिया, अब ये ऐसे हो रहा है ये ऐसा, मानने कोई जरूरत नहीं है। अभी आप इनिशियल स्टेज पे हो, अभी वहां पहुंचे कहां हो। और मैंने बड़े बड़े ज्योतिषियों को देखा है ना, वो चार्ट बनाते हैं अपने हाथ से, अभी भी सॉफ्टवेयर है उनके पास, कुंडली है उनके पास, फिर भी कह रहे हैं लॉ बना लेते हैं। और अभी मैं बना लेता हूँ चार्ट, मेरा क्लाइंट बैठा है, सर ये चल रहा है, क्या मतलब है, बना लेते हैं, बनाते बनाते कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा, अब ग्रह खुद ही बता देगा क्या करना। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पर बिलीव मत करिए, बिलीव इन द सेंस ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन चार्ट बनाते बनाते बहुत चीजें आ सकती हैं आपके ब्रेन। और अभी जब इनिशियल स्टेज है तो आपने चार्ट बना बना के प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, एक तरफ 100 चार्ट देख लो और एक तरफ 10 चार्ट बना के देख लो, खुद को जज कर लो कि 10 चार्ट आपके माइंड में स्टोर हुआ कि 100 चार्ट जो अभी देख देख के स्क्रॉल कर दिया वो आपके माइंड में सही। और मेरा एक कमिटमेंट रहता है मेरे स्टूडेंट से, मैं ज्योतिष पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, ज्योतिषी बनाने के लिए बैठा हूं। इसलिए मैं आपको मेरे सारे वीपन्स दे रहा हूं जो मैं यूज करता हूं। तो आप मेरे से नॉलेज तो ले ही रहे हो, लेकिन मेरा एक्सपर्टीज भी ले रहे हो, मेरा एक्सपीरियंस भी ले रहे हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है और मेरा कुछ उद्देश्य भी ऐसा है कि अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर मार्केट में आ गए तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं और ज्योतिष को फिर से एक बड़ी साख बनाई जा सकती है। क्योंकि ज्योतिष अगर आज सलामत है, ज्योतिष अगर आज जीवित है, तो कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से ही जीवित है। इनको लूटने के लिए, इसका शोषण करने के लिए तो बहुत लोग हैं मार्केट में, लेकिन इसका पोषण बहुत कम हाथों से हो पा रहा है। तो मेरी एक बड़ी चिंता है कि मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर तैयार कर पाऊं मार्केट में, कि जो इसकी शाख को बना के रखे। तो उसकी शाख तब बनेगी जब आपको बहुत कुछ आता हो। और सब कुछ आने में बुक को मत पढ़िए, किताब को बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, किताबों को बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में जब आप अभी शैशव अवस्था में हो, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको वॉइस में प्रॉब्लम है तो उनका नेट वीक होगा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती तो सबको प्रॉब्लम आ रही होती, तो इसलिए बार बार मैसेज ना करें, कोई फायदा नहीं है उससे। अपना नेट सही रखिए, अपना डेटा सही रखिए, अपना वॉइस सही रखिए, हेडफोन लगा के पढ़िए, वो आपके ऊपर है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एस्ट्रोलॉजी कैसे आती है, जब आप ये मुद्रा बनाते हो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन अपने आप उसकी जो यहाँ पे जो आपके पड़ा है ना पूरा का पूरा जाल, नफ्स का जो जाल है वो खुद ही खुल जाता है और एक्टिव हो जाता है। और डेट टाइम जब आप लिखते जा रहे हो कोई चीज, वो आपके माइंड में सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होती चली जाएगी। हो सकता है इमीडिएट आपको उसके रिजल्ट्स ना दिखें, हो सकता है इमीडिएट उसके रिजल्ट्स ना दिखें, लेकिन जब चार्ट आएगा तब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन बोलेगा, और जब आप बोलोगे प्रिडिक्शंस हो जाएंगी। इसलिए रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है, पट्टू तोता बनो, स्टोर करके चलो। वो कैसे होगा, ये मुद्रा बनाने से ही हो जाएगा। इट्स अ इजीएस्ट वे टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ो। कैंसर कैंसर का सिंबल पता है कैसा है? कर्क है ना, और वो कभी आगे चलता है कभी पीछे चलता है। कैसा चलेगा किसी को पता नहीं, लिख लो, कैसा चलेगा किसी को पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल। जितनी रफ चीजें होंगी वहां पे वो बेस्ट रहेगा। और अगर आप कभी देखोगे कैंसर का जो सिंबल है उसको कभी आप देखोगे, उसमें बाहर से तो कठोरता दिखेगी लेकिन उसके अंदर अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी है। कैंसर साइन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैसा चलेगा किसी को पता नहीं, अनप्रिडिक्टेबल। जितने क्रॉप टॉप एरिया होंगे वहां पे वो स्ट्रांग होगा। बाहर से दिखने में कठोर है, अंदर से उतना ही कोमल है, उतना ही अंदर से मुलायम है। सेंसिटिव बोलते हैं उसको, नरम। कैंसर की एक क्वालिटी और है, जिस भी एनवायरनमेंट में रहेगा वैसा नेचर हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो भी प्लेनेट आपका चतुर्थ भाव चतुर राशि में पड़ा होता है, एस्ट्रोलॉजर ऐसा बोलते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसा बोलते हैं, अपना संग सही करो। वो बात किसके लिए लागू हो रही है? अगर मर्क सैटर्न है तो काम करने वालों के बीच में रहो जो बहुत मेहनती हैं, लेबरर हैं। मर्करी है तो बड़े बिजनेसमैन के बीच में रहो, और अगर वीनस है तो बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बीच में रहो। जैसी संगति होगी वैसी रंगति आएगी। एज लाइक विभीषण, जब तक रावण के साथ रहा राक्षस रहा, जब भगवान राम के पास आ गया तो फिर राजा बन गया और देवताओं की तरह मान हो गया। सेंसिटिव साइन है ये, बहुत ज्यादा बहुत सेंसिटिव साइन है। अनकंडीशनल लव है, एसेंशियल प्रोवाइडर भी इन्हें बोला गया है। एसेंशियल प्रोवाइडर और अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल। और जिसके पास अनकंडीशनल लव होता है उसके पास सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस होता है। इसलिए ऐसे लोग सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, कैंसर वाले। अब किस चीज में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ये बात की बात है, ये बात की बात है।
लियो में आइए, इमोशनलेस। सबसे ज्यादा इमोशन कैंसर के पास है और जो इमोशनलेस है वो लियो है। वर्कहोलिक, लियो के पास एक चीज और है, काम करते समय खुद को भी भूल जाना, ये नेचर है लियो का। काम करते समय खुद को भी भूल जाना, इसलिए ऐसे लोग मिराकल्स भी करते हैं। लीडरशिप नेचर है, जो जबान दे दी तो काम करना है, फिर जो कह दिया वो करेगा। अब अगर मरकरी में किसी का, मरकरी लियो में हो और वो इमोशन वाला हो, वो अपनी बात का पक्का ना हो, वो उसका मन ना लग रहा हो ऑफिस में बैठने का, क्योंकि डूब के काम करना है आपने, लियो वाले को डूब के काम करना है, और फिर कराते रहो शांति। अगर ये गुण डेवलप नहीं किया, कराते रहिए पूजा पाठ, पहन लो जेमस्टोन 50 ठो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई रिजल्ट्स नहीं आएगा। आपके लिए जो कर्मा फिलॉसफी है वो क्या है, आपका जो कर्मा मैनेजमेंट है वो क्या है, एज पर बिजनेस, जवान के पहले तो पक्के बनो, जो कह दिया वो करना है। दूसरी क्वालिटी, जिस भी बिजनेस को कर रहे हो या जहां भी जॉब कर रहे हो, ये मरकरी बिजनेस और सैटर्न जॉब, वहां पे टॉप पोजीशन पर आना है, भले टॉप पे ना आ पाओ, जितनी जो आपकी फील्ड है वहां पे टॉप बनना है। और टॉप कैसे बनोगे, जब तक काम में डूबोगे नहीं टॉप बनोगे नहीं। अब वीनस है तो टॉप पैसे वाला बनना है, आपके कम से कम कुल खानदान में इतना पैसा किसी के पास नहीं होना चाहिए। जो प्लेनेट आएगा वहां लीडर बनना है आपने, और नहीं बन पाए करते रहो रेमेडी, पहनते रहो जेमस्टोन, धंधा बड़ा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। समझ आ रही है बात? इसी को कुछ और नाम से, बीएनएन को कुछ और नाम से मार्केट में लाया गया, लेकिन एक्चुअल में जो कर्मा मैनेजमेंट है वो बीएनएन के पास ही है। आप नाम बदल सकते हो लेकिन कोर और जो क्रक्स है उसको थोड़ी कोई बदल पाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़िए। इसी में जो जवान दे दी करना है, और जो जवान दे दी है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए जो भी करना पड़े, इवन जान भी देनी पड़े तो दे देना। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कौन सा साइन है? लियो। लॉर्ड कौन है? सन। और जिस वंश में है भगवान श्री राम वो कौन सा वंश है? सूर्य वंश, रघुकुल वंश। तो क्या बोल रहे हैं दशरथ? कमिटमेंट आप देख रहे हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये किसकी फिलॉसफी है? लियो की। किसकी फिलॉसफी है? सिंह की। जो प्लेनेट पड़ा है अगर किसी को कह दिया कि 2 करोड़ देना है, अब दिमाग लगा रहे हो। वीनस पड़ा है लियो में कि दूं लौट के आएगा कि नहीं आएगा, अकाउंट से ही भाई साहब चला जाएगा आपके पैसा अगर दिमाग लगाया। या तो कहो नहीं, कहो तो करके रहो।
ये बीएनएन की स्पेशलिटी है। ढक्कन खुला है कुछ, ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है, और ज्योतिषी भी सब कुछ कर सकता है। उन्हीं के लिए कर सकता है जो अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं। जो ज्योतिषी चेंज करते रहते हैं उनकी लाइफ में कुछ नहीं होता। वो कुंडलियां लिए घूम रहे हैं, किसी को 60,000 पे कर रहे हैं, किसी को 200 रुपए दे रहे हैं, किसी को 2,000 दे रहे हैं। जो खुद में चेंज लाना चाहेगा उसी का, वही सार्थक है कंसल्टेंसी करवाने में। तो ज्योतिषी चेंज नहीं करना है, खुद में चेंज लाने के लिए जो ज्योतिषी आपको बेटर लगे, बेस्ट लगे, उसी को ही पकड़ना है। जिंदगी भर रोते रहोगे। मरकरी 5 नंबर में है या सैटर्न 5 नंबर में है, वीनस 5 नंबर में है। क्यों रो रहे हो? क्योंकि जवान के पक्के नहीं है। क्यों रो रहे हो? क्योंकि मेहनती नहीं हो, लीडर नहीं हो। क्यों रो रहे हो? मेहनत करने से भाग रहे हो। क्यों रो रहे हो? टॉप लीडर पे बनना ही नहीं है आपने, आपको तो कामचोर बनना है। कुछ ऐसे लोग भी कहते हैं, मैं लियो वालों के मुंह से भी सुना है मैंने, कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। डेस्टिनी डिसाइड करती है, तुम्हें पगला ही बना के छोड़ती है फिर वो। तो फर्स्ट पोजीशन पर आना है जिस भी इंडस्ट्री में। मैं कह रहा हूं छोटे पे काम कर रहा हूं, आप मान लो एक गार्ड ही हो कहीं पे, लेकिन जब भी गार्ड का नाम आए, जिसने जब उसके यहां हो सकता है उसके बंगले में या उसकी फैक्ट्री में 50 गार्ड आए हों, लेकिन जब आप गए ना, तो वो उसका छोड़ने का मन ना करे आपको। इतनी काबिलियत डेवलप करनी है, लीडर बनना है जिस भी चीज को कर रहा, जो प्लेनेट हो उसमें लीडरशिप लाइए। समझ आ रही बात? पूरी ताकत लगा दो, वादा पूरा करना है, जिसे जो दे दिया दे दिया, तो फिर नेचर आपके साथ न्याय करेगा। ऐसे लोग क्रिएटर हो जाते हैं, फिर क्रिएटिविटी आ जाती। आपको पता है इस साइन में कोई भी प्लेनेट उच्च नीच का नहीं होता, इसलिए समानता सबके साथ रखनी है। किसी को छोटा और बड़े में नहीं ताकना, किसी को बड़ा नहीं मानना, किसी को छोटा नहीं मानना, अपने अंदर अहम नहीं लाना, अपने को डीमोटिवेटेड नहीं करना, अपने काम को अपने धुन में लगे रहना, जो होगा देखा जाए। आंसर्स बाद में मिलेंगे आप सबको, पहले वर्गों तक आज करा देंगे, फिर अगली क्लास में, फिर क्योंकि मेरे को आपसे थोड़ी बात भी करनी है, ठीक है? पर नहीं तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। ऐसे लोग लॉयन होते हैं, प्लान करके फिर अटैच होते हैं। अगर किसी का लियो में कोई प्लैनेट हो तो पहले प्लानिंग बना लो, जो भी बनानी है, फिर अटैच होना है। फाइनेंस मैनेजमेंट की प्लानिंग कर लो पहले, कितना पैसा आएगा और वो फिर क्या तरीके से आएगा, फिर इन्वॉल्व होना है। मरकरी है तो बिजनेस की प्लानिंग कर लीजिए, सैटर्न है तो काम अगर कर रहे हो, जॉब कहीं कर रहे हो, तो उसकी पूरी प्लानिंग कर लो कि भाई ये काम कितनी देर में निपटाएंगे, कैसे निपटेगा, किसके साथ मिलकर निपटाना है, कौन कौन इसमें सहायक होगा, किसकी किसकी हेल्प ली जा सकती है। तो लियो में कोई प्लेनेट हो और आप उस पर्टिकुलर चीज को लेके हाइप पे नहीं जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप विदाउट प्लानिंग काम करने लग जाते हो। प्रेडिक्शंस दे रहा हूं आपको, जो आपके पास आए बोले मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा, बिजनेस सही नहीं चल रहा, उसको बोलो भाई विदाउट प्लानिंग काम करते हो क्या, करना चालू कर देते हो पागलों की तरह। हाँ, रेमेडी बताऊं? बताइए, प्लानिंग करके करिए। प्लानिंग करके करिए, और अगर प्लानिंग करके फिर उस काम में अटैच हुए, विदाउट फेलियर वो काम पूरा हो जाएगा। विदाउट फेलियर असफलता नहीं मिलती। और एक बात बताऊं, सन का जो नेचर है, राजा कभी काम नहीं करता, उसके यहां लोग काम करते हैं।
रूलिंग नेचर है ना, अगर आपको काम कराना नहीं आता है, काम बांटना नहीं आता, व्यक्ति का चुनाव करना नहीं आता, तो आप कभी भी लियो का पूरा प्रॉपर एट्रीब्यूट ले नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको काम करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, मेहनत करवानी है, यही लीडरशिप का नेचर है, यही लीडरशिप का नेचर। इसलिए मेंटल वर्क पे काम करना है, फिजिकल वर्क पे नहीं। कहीं जॉब भी कर रहे हो तो वैसी जगह ही जॉब करनी है जहां पे मेंटल वर्क हो, फिजिकल वर्क ना हो। आपको बुद्धि का प्रयोग करना है, शरीर का नहीं। और वो एक टाइम तक मेहनत करके इतनी एक्सपर्टीज आ जाएगी आपके पास कि लोग आपको फिर उसी काम के लिए चुन लेंगे। क्योंकि जिसके पास कमिटमेंट है, जो लेबरर है, और जिसको अब जवान दे दिया तो फिर उसको फेथ हो जाता है, फिर वो मालिक की नजर में भी फेथ डेवलप कर लेता है और क्लाइंट की नजर में भी फेथ डेवलप कर लेता है। और आपका फेथ नहीं टूटना है लियो वाले का। इसलिए शायद मैंने कोई वीडियो में या किसी क्लास में बोला था, इसको अपलोड भी किया मैंने, कि जिसका सैटर्न या मरकरी लियो साइन में हो उसको फील्ड वर्क नहीं करना, ऑफिस वर्क करना। आपके बुद्धि में चलता रहे, आपके दिमाग में चलता रहे और शरीर किसी और का चलता रहे, क्योंकि प्लानिंग आपने करनी है और प्लान पूरा बना के फिर अपने स्टाफ को देना है अगर आप बिजनेस में हो। और अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपके अंडर में 4-5 लोग काम करें ऐसी पोजीशन तक पहुंचनी। वो पोजीशन शुरू में बनानी पड़ सकती है या एजुकेशन से, क्वालिफिकेशन से डायरेक्ट बन जाती है। अब कोई पढ़ लिख नहीं पाया बहुत ज्यादा तो वो धीरे धीरे फिर उसमें बना सकता है। शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट माइंड में एक चीज रहना चाहिए कि मैं भले आज चाहे जैसे काम कर रहा हूं, बट आने वाले 5 साल में मेरे को ऑफिस पे और चेयर पे बैठ के ही काम करना है। तो इसलिए इतनी मेहनत आज कर लेनी है, कल को मेरे को मेहनत ना करनी। जिस तरीके से मैं आपको राशियां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरीकों को किसी भी साइंस पे लगा दो। केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, भावचलित कुंडली में लगा दो। पराशरी आती है, देखो किस भाव में कौन सी राशि बैठी पड़ी है। अगर दूसरे भाव में 5 नंबर राशि पड़ी और आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो पैसा आपको पता चल गया किस तरीके से आएगा, एज पर पराशरी। 5 नंबर राशि अगर 10वें भाव में पड़ गई तो एज पर पराशरी आपके कर्म में लियो को पूरा डालना पड़ेगा। एज पर पराशरी 5 नंबर राशि 7th हाउस पे पड़ गई तो आपके बिजनेस में या क्लाइंट को ट्रीट करते समय या लोगों से डीलिंग करते समय 5 नंबर को प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा, या रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करते समय 5 नंबर को प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। पत्नी को जो कह दिया कि आज साड़ी ला के दूंगा, पिटल्ली नहीं चाहिए, या तो कमिटमेंट करो, नहीं करो तो ला के दे दो, प्राण जाए पर वचन न जाए। समझ आ गई बात? इतना समझ आ गया? बुद्धि में ये एक लाइन डाल लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चौपाई पढ़ते रहो थोड़ी देर तक। आदमी पूछे क्या कर रहे हो, तो लियो का एट्रीब्यूट याद कर रहे हैं। कभी मैं हाउसेस के एट्रीब्यूट बता रहा था पराशरी ज्योतिष की क्लास में, तो मैं बोल रहा था, मैंने हर एक हाउस का एट्रीब्यूट बताया। 3rd हाउस का बता रहा था, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। तो जितने भी आपके डायलॉग्स हैं उनको मैंने एक जगह सिंक किया था और मैंने मेरी एक क्लास में बोला था, शायद नहीं डाला है तो डाल देंगे वीडियो में। ठीक है, नाइन्थ हाउस ट्रेवलिंग का होता है, 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन का होता है। अभी किसी ने पूछा 9th में अगर लियो पढ़ा है तो ट्रेवलिंग का है, हायर एजुकेशन का है, गुरु का है, रिचुअल्स का है, धर्म का है, अध्यात्म का है। वहां 5 नंबर पढ़ने का मतलब जो चीज करनी है वो प्लानिंग करके करनी है। पढ़ भी रहे हो प्रॉपर प्लानिंग कर,
कौन से कॉलेज में पढ़ना है, वहां पढ़ने से क्या मिलेगा, वो उसके लायक है भी कि नहीं है, ऐसा करके कितनी देर पढ़ना है, ठीक है, ये सब भाई कोई कोई जरूरत नहीं है पूछने की, समय आएगा सब मिल जाएगा, जितना मैंने बता रहा हूं उतने पे ही फोकस करो केवल। प्रीति नागपाल जी ने बोला मेरा 10th में लियो है एंड शनि भी है, ऐसा हो है प्रीति जी, आंसर करिए, अभी पूछ लेंगे क्वेश्चन बाद में, ठीक है, अभी माइक ऑन कर देंगे आप लोग का, बट अभी मेरे को पहले बोल लेने दो। उसके बाद लिखिए वर्गो क्या है सिंबल, एक अंधेरी रात है और उसमें नाव है, नाव कहाँ है, जल में, लड़की लालटेन को लेके आगे जा रही है, लड़की क्या कह रही है, लालटेन जला के आगे जा रही है, यही सिंबल है। एक अंधेरी रात में नाव जल में है, लड़की लालटेन लेके आगे जा रही है, मतलब क्या है, अंधकार से बाहर निकलने की, अज्ञान से बाहर निकलने की कोशिश करिए, ऐसे लोग इनोसेंट इनोसेंट साइन है ये, जो आपका एनवायरनमेंट है उससे बाहर आने की कोशिश करनी है आपने, जो आपका एनवायरनमेंट है उससे बाहर आने की कोशिश करनी है, और हमेशा कुछ ना कुछ पता करने के लिए आगे बढ़ते रहना। बिल गेट्स के चार्ट में मरकरी 6 नंबर पे है और आज भी वो व्यक्ति टारगेट करता है कि मेरे को मंथ में कितने पेजेस पढ़ने हैं। अज्ञान का नाश हमेशा विद्या ही कर सकती है, इसलिए जो भी प्लेनेट आपका वर्गो में होगा, मरकरी है, बुढ़ापे तक पढ़ना है, अंतिम सांस तक है, सैटर्न है, अपनी फील्ड के बारे में हमेशा लर्न करते रहना, सीखते रहना, मरकरी है, बिजनेस के बारे में पढ़ते रहना है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका धंधा है, ठीक है, उसको हमेशा पढ़ते रहना है। तो 6 राशियां पढ़ाई, 6 राशियों को कुछ शब्दों में ही बताने की कोशिश करो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में बताने की कोशिश करो, और इजीएस्ट वे में बनाने की कोशिश करो, चाह रहे हैं यस और नो, क्योंकि सही अच्छे गुरुओं की पहचान जानते हो क्या है, वो कठिन को भी सुलभ बना देते हैं, आसान बना देते हैं। मेरे अंदर वो गुण है नहीं है वो तो भगवान जाने, बट मैं ट्राई कर रहा हूं। लिख लीजिए एरिस का, लिखिए क्विक डिसीजन मेकर, प्रोटेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, क्विक डिसीजन मेकर और प्रोटेक्टर। वृषभ का लिखिए, टॉरस का, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्स्टेंट फ्लो, जेमिनी का लिखिए, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, एक्सप्रेसिव, कैंसर का लिखिए, एसेंशियल प्रोवाइडर, केयर टेकर, इमोशनल अटैचमेंट, लियो का लिखिए, लीडर, क्रिएटर, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकर,
वर्गों का लिखिए, स्कॉलर, नॉलेज सीकर, ऑलवेज सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू, ऑलवेज सर्चिंग समथिंग फॉर न्यू। अभी जो आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो हैंड रेस करके अपना माइक ऑन करके फिर बोलिएगा। ज्यादा मेरे को लगता नहीं है डाउट है, और डाउट लेके भी ना आना, तभी आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। पूछिए मनोज जी। सर जय श्री कृष्ण। सर लियो राशि में जैसे चंद्र का तो क्या, वो 12th हाउस में तो वो क्या एंट्रीब्यूट आएगा फिर, क्योंकि वो चंद्र इमोशन राशि और लियो लीडरशिप राशि है। अभी प्लेनेट पढ़ाया नहीं है आपको, पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है, सारे प्लेनेट का बता देंगे। एक्चुअली सर एक आपने बताया था सर कि कर्क राशि जैसे ना इमोशन राशि वही, उसमें वापस वही राहु का भी पूछा था, कर्क राशि का भी था। अभी वो कृष्ण का भी मतलब अभी प्लेनेट के एट्रीब्यूट नहीं पढ़ाए हैं, तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे ये बाद में आपसे। हाँ हिमांशु जी पूछिए। माइक ऑन करके बोलिए। जी सर नमस्ते सर। सर जैसे मान लीजिए वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि को जब हम देखेंगे वृश्चिक राशि के क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से सीखना है तो पहले एक बात को ध्यान रखो, जो चीज जहां पढ़ाई जाए बस उतनी तो सबका कुंडली एक ही होता है ना सर, इसके लिए क्या किया जाए, तो सबका एक ही कुंडली होता है क्या? क्या बोल रहे हैं? जो 9:15 PM पे कोई जन्म लिया और वही टाइम में कोई दूसरा भी जन्म लिया तो डेस्टिनी भी सेम होगा सर उसका? हाँ सेम ही, सेम ही होगा सर। ओके थैंक यू सर। कौन क्या कर पाएगा, कितना कर पाएगा, ये इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है, अभी जो बात करें उसी पे पूछिए। रचना जी बोलिए। सर अभी सर नमस्ते, आपने बताया सिंबल के बारे में, तो टॉरस का जो सिंबल होता है वो तो बुल होता है, और आपने उसकी क्वालिटी में लिखा है कंटिन्यूअस कांस्टेंट फ्लो, तो सर बुल तो बहुत लेजी होता है, तो वो कंटिन्यू लेजी तो मतलब वो कैसे रिलेट कर सकते हैं? नेगेटिव एट्रीब्यूट बताऊंगा तो वो भी बताऊंगा, बट देखो जब वो हल पे लगता है ना, जब वो जोता जाता है, तो ये किसने कहा कि वो कंटिन्यूअस ही तो चलता, फास्ट कहां जाता है, आराम आराम से चलते हल, हल जब लगेगा, गन्ना जब पेरा जाता है, देखा आपने कभी बुल के साथ में? देखा। फास्ट नहीं, वो बहुत धीरे चलता है, फ्लो में चलता है, एक उसकी अपनी चाल है बुल की, और जब उसकी चाल कभी डिसबैलेंस होती है, मैं अभी 2 दिन पहले मेरी कार से मेरे घर जा रहा था, मेरे ऑफिस से मेरे घर, तो 2 बुल लड़ रहे थे, मेरा एक्सीडेंट होते थे, जब उनकी चाल खराब होती है तो विनाश कर देती है, इसलिए वृषभ जो है ना वो लेजी लेजी नहीं है, वो तब तक लेजी है जब तक उसने करना नहीं, ठीक है, और उसने जब करना है तो एक फ्लो में करना है, एक उसकी अपनी एक चाल रहती है, तभी वो कुछ कर पाता है ढंग का। बिल्कुल सही सर, ये जो एट्रीब्यूट्स बताए वो उसी के हिसाब से। थैंक यू वेरी मच जी। जी थैंक यू। नीलम जी आप बोलिए। सर प्लैनेट्स तो बहुत राशियों में बैठे रहते हैं,
एक्चुअली ये जब सब आपने बताया है अभी, तो कौन से पिकअप करने का, सभी उसमें लागू पड़ते हैं कि ओनली वेयर जुपिटर इज कंसर्न्ड? आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं, इंग्लिश में ही बोल सकते, प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे मैं आपको ये बोल रहा था जब अभी मैं प्लैनेट्स पढ़ाऊंगा तो क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी आपको कैसे प्लैनेट्स को, क्योंकि अभी प्लैनेट्स के भी एट्रीब्यूट्स मेरे को बताना है कि राहु के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फिर आपको कैसे अलाइन करोगे उन चीजों को, पहले राशि पढ़ा दें फिर प्लैनेट पढ़ा देंगे फिर उनका कंक्लूजन पढ़ा देंगे भाई कौन सा प्लैनेट किस राशि है तो उसका फलित कैसे करना, ठीक है? थैंक यू। एक सीक्वेंस से नहीं चलेंगे ना तो एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, फ्लो में चलना है। दूसरा जो आदमी है वो अपना माइक बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, अन्य लोग अपना माइक बंद कर ले, जिनको बोलना है वही ऑन करेंगे। बोलिए दीपक जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे टॉरस में जुपिटर हो तो जैसे आपने बनाया कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी रखने की बताऊं वर्क में, जुपिटर जब पढ़ाऊंगा तो वो भी बताऊंगा, ये आएगा सारा चैप्टर आएगा, ठीक है दीपक जी? थैंक यू सर। बट इतना बोलूंगा, जुपिटर अगर दो नंबर राशि में हो तो हेल्थ को लेके सचेत रहिए, गाइडेंस कंटिन्यू लेते रहिए, फ्लो में लेते रहिए, कभी लोगे कभी नहीं लोगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि जुपिटर इज गाइडेंस, जुपिटर इज योर हेल्थ, तो हेल्थ को लेकर के हमेशा अवेयर रहना है और कुछ ऐसे करते रहना है, खाते रहना है, कंटिन्यूअसली चीजों को करते रहना है। सपोज आपको जिम जाना है तो फिटनेस करने के लिए, ठीक है, तो आपको फिर वो चीजें कंटिन्यू रखनी है, फ्लो में रखनी है, ठीक है? तो जब अभी प्लैनेट्स पढ़ाएंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कौन सा प्लैनेट किस साइन में है। मैं बताऊं, मैं प्रेडिक्शंस बहुत कम दूंगा, ज्यादातर प्रेडिक्शंस आप ही करोगे, बस मेरे को वो आपको पकड़ा लेने दो पहले, वो जो टूल मैं पकड़ा दूंगा आपको ना, प्रेडिक्शंस आप खुद करोगे, ठीक है? अपने नाम पहले तो सेव कर लेना, अपने कल अगली क्लास से पहले आपके नाम लिखे होने चाहिए, SIRE कौन है ये बोलिए आप माइक ऑन करके। दीपक जी बंद कर लीजिए अपना माइक, बाकी लोग बंद कर लें। SIRE। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, बोलिए सर। मेरा नाम तो पहले श्री है, SIRE नहीं है। अच्छा श्री, बोलिए सर। हाँ जी, तो मेरा वो सवाल तो ज्यादा कुछ नहीं था, वो ऐसे पूछने के लिए था। आज मैं पहली बार पढ़ा हूँ ये, तो बहुत मजा आ रहा है सर, थैंक यू, यही बोलना था। आप बहुत मस्त पढ़ा रहे हो। थैंक यू। सर मैं एक इनिशियल पे कंफ्यूजन था, जैसे कि सपोज अगर जो डेट ऑफ टाइम होता है ना सर, जो टाइम जो होता है, तो उसमें सपोज अगर एक्चुअली अपने इंडिया में इलाहाबाद से अपन टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, तो सपोज अगर अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज में, अगर सपोज मैं राजस्थान उदयपुर से, तो वो 15-10 मिनट का गैप आता है अक्षांश और दशांश के हिसाब से, तो एक्चुअल टाइम कौन सा मानना चाहिए, उसमें कैलकुलेशन उस हिसाब से करना चाहिए कि जो टाइम दीजिए वो रहता है? बात सुन लो, अगर आप कर रहे हो तो टाइम कोई मायने नहीं रखता, ये बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि उससे नवाज कुंडली चेंज हो जाती है। आपके जो करंट लोकेशन हो उसी पर ही ध्यान रखिए, जो बर्थ प्लेस होती है उसी को एग्जैक्ट लगाने की कोशिश करिए। नहीं पर वो उससे D9 में चेंजेस आते हैं, लग्न कुंडली सेम रहती है, D9 में चेंज आता है अगर अपन। अच्छा जी, ठीक है, क्या फर्क होता है, इतना करेक्शन पे जाओगे फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ मतलब ज्यादा नहीं, 10-12 मिनट का गैप आता है, ज्यादा नहीं। इलाहाबाद बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, और जब मैं BNN एडवांस कराता हूँ उसका भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, तो वहां पे एग्जैक्ट टाइम क्या होगा सेकंड्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे, डिस्टर्ब होगी पूरी क्लास, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी जिनके क्वेश्चन हो गए वो अपना हाथ जो है वो डाउन कर लें। हाँ बोलिए गोपाल जी, बोलिए आप। रात में आपने क्लाइमेट शॉर्ट बताया है, जैसे इसका लगातार फ्लो नोट करने में कुछ लिखेगा, कुछ क्या बोल रहे हैं? तो आपने लास्ट के 5 मिनट में दिया ना सेवदावशी का छोटा छोटा शॉर्ट में बताया है, ये सर स्क्रीन पर लिखी हुई आ जाएगी क्या सर? कुछ लिखेगा, कुछ लिखने से फल रह गए?
सर आपका माइक मेरे को आवाज क्लियर नहीं सर, पहला वो ब्लू कलर शर्ट आदमी का उसको म्यूट कर दीजिए। हाँ ये वाला आप जो आपने लास्ट के 5 मिनट में बताया है ना, लास्ट के 5 मिनट में वो स्क्रीन के ऊपर लिख दीजिए सर, वो फिर से बता दें। हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। और बताइए मनीष जी, बोलिए। सर एक छोटा सवाल है भैया, गोपाल जी वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, तो बाकी चिंता नहीं है कोई, ठीक है। मनीष जी आप बोलिए। ये सर जैसे अभी आपने एक एग्जांपल में बताया कि जुपिटर इट टॉरस, तो आपको हमेशा एडवाइस लेते रहना चाहिए। यस, फ्लो में सर। तो एडवाइस, हाँ जी सर, तो एडवाइस लेना है या देना है, ये कैसे मतलब डिफाइन होगा? दोनों ही हो सकता है, जुपिटर एडवाइस टेकर भी है और जुपिटर जो है वो देने वाला भी है, बट कहीं ना कहीं शिष्य जो है, या जब आप लेने जाते हो तो फिर आप मरकरी हो जाते हो, फिर आप जुपिटर कौन होगा जो आपको देगा? तो एडवाइस लेते समय, देते समय आपको क्या करना है और एडवाइस लेते समय क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। मरकरी जिस साइन में होगा उसका मतलब ये है कि एडवाइस लेते समय क्या करना है और एडवाइस देते समय क्या करना है, तो जुपिटर 2 नंबर राशि में है तो इसलिए एडवाइस देते समय क्या करना है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें इस पे, दोनों पर ही मैं आगे नेक्स्ट आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, और ये कौन है, नारायण जी पूछिए, इसके बाद राजेंद्र जी आप बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि बीएनएन में जो ट्विन्स हैं, क्या उनका डेस्टिनी एक ही होगी या अलग अलग होगी? अभी ट्विन्स पे आएंगे नहीं और ना आपके चैप्टर में है, बट ट्विन्स को अलग अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है सर इसमें, या दोनों की, क्योंकि इसमें तो हम वो ले ही नहीं रहे। क्या नहीं ले रहे, टाइम नहीं ले रहे ना? नहीं ले रहे, टाइम नहीं ले रहे, तो मेरा क्वेश्चन वो था कि ट्विंस का क्या सेम ही आएगा पूरा? अभी सेम ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम को ऐसे ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी का प्रोफेशन आ रहा है एज पर, मान लीजिए सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, किसका, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन, ठीक है, और उसके पीछे जुपिटर आ गया, उसके पीछे क्या आ गया, जुपिटर आ गया, जुपिटर सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन हो गया, और ये दोनों बच्चों के चार्ट में है, मैं ट्विंस का ही बोल रहा हूँ आपसे, मेरे पास एक चार्ट है, जुपिटर और, सॉरी जुपिटर सैटर्न और मून, एक ट्विन ने मून को पकड़ लिया, वो बन गई नर्स, और एक ट्विन ने जुपिटर को पकड़ लिया, वो बन गई टीचर गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है, जब सेम प्लेनेट हो रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, आप कहां जाने वाले हो, ठीक है। प्लेनेट्स कैसे रिजल्ट्स देते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आप किस, अगर इस, वो नर्स ना बनती, सॉरी थोड़ी देर के लिए, तो कोई रेस्टोरेंट भी खोल सकती थी, ये किसी रेस्टोरेंट पे काम भी कर सकती थी, ठीक ठीक ठीक। तो देखो एक बताऊं आपको बात, डेस्टिनी का मतलब, कुंडली का मतलब ये नहीं है कि जो लिख के आ गया वही करोगे, फ्री विल है आपके पास, फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि सपोज किसी का सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, वो अगर डायरेक्ट जाना चाहे तो वो फाइन आर्ट्स में जा सकता है, म्यूजिक बना सकता है, एक्टिंग कर सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है उसके पास में। अब फ्री विल क्या है, प्रकृति ने जो आपको दी है, जो भी करना चाहते हो वो वीनस के अनुरूप करो। अब वीनस वाला अगर एस्ट्रोलॉजर बन जाए तो वीनस को यूटिलाइज कैसे करना है, भाई टीवी पे आओ, तब तक ज्योतिषी तुम्हारी सफल नहीं होगी जब तक टीवी पे नहीं आओगे, और ये जो वीनस वाले जितने भी लोग हैं वो सब टीवी पे आते हैं, म्यूजिक है वो भी वीडियो के रूप में आएगा, एक्टर है वो भी टीवी पे आएगा, बात समझ रहे हैं आप? ठीक। तो किसी प्लेनेट के कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो दोनों की डेस्टिनी सेम हो गई, दोनों के पास अपनी फ्री विल है, दोनों के पास अपनी मेहनत है, दोनों के पास अपनी प्रैक्टिस है, अब कौन कितना कर पा रहा। और अच्छा ये भी तो होता है कि दो जीन्स बॉडी के अंदर गए,
जो दो ट्विंस होते हैं उनमें भी तो अलग अलग जो वीर्य जाता है उसका अलग अलग इफेक्ट होता है ना, यही कारण तो होता है कि एक बच्चा कभी कभी मेंटल जो है वो कम डेवलप हो पाता है, एक बच्चा ज्यादा डेवलप हो जाता है, ये भी ट्विंस में आपने देखे होंगे। ठीक ठीक ठीक। जो उसके अंदर जो वीर का प्रभाव गया है वो उस वो जो सेल्स गई है अंदर है ना, उसमें कितनी ताकत थी उसके साथ क्या करने की, ये भी जिम्मेदार। ठीक ठीक। और मैं जब बीएनएन कराता हूं तो उसमें बीएनएन के कोर्स में ये चीज नहीं है, बट दो तीन चार्ट मैं एडिशनल हाथ से बनवाता हूँ, अभी उसका मैं जिक्र भी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम एक्यूरेसी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, और इसमें हम लोग अगर टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसमें भी जो बीएनएन का जो बट टाइम रेक्टिफिकेशन है वो बहुत तगड़ा है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, ये एडवांस का पार्ट है, बेसिक बेसिक की तरह है, एडवांस एडवांस की। तो जो आप मेहनत कर रहे हो आपके कॉन्फिडेंट में फ्लो होना चाहिए, कभी ज्यादा कभी कम होगा प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए धीरे धीरे चलते रहना है, आपके जो एक्शंस होंगे आपकी जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। ठीक है, इस पे बात करेंगे। देखो अभी प्लैनेट्स पढ़ा रहा हूँ, जब 12 सॉरी अभी राशियां पढ़ा रहा हूँ, जब आपकी 12 राशियां कवर हो जाएंगी फिर आपको 9 ग्रह पढ़ाऊंगा, और जब वो 9 ग्रह कंप्लीट हो जाएंगे फिर कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है वो पढ़ाऊंगा, तो अभी चिंता मत करिए, उसका भी समय आएगा, वक्त आएगा। ठीक है ठीक, थैंक यू सर। सर हेलो सर, नमस्कार सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, वो मैं अगर मरकरी होगा तो सर क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, वर्गो में मरकरी है तो क्या होगा सर, क्या है प्रेडिक्शन आएगा अभी तो, लेकिन बोला था मैंने वर्गो मरकरी बोला था, कंटिन्यू बोला था, आप वर्गो में गए थे इसलिए, हाँ कंटिन्यू पढ़ना है, कंटिन्यू जो है वो नॉलेज सीकर बनना, बताऊंगा आगे। ठीक है, ओके थैंक यू। बोलिए आप, टॉपिक से आगे आप जाएंगे मैं आंसर नहीं करूंगा। ओप्पो A5 हिरेन शर्मा जी बोलिए। नमस्कार सर, सर ये वृषभ राशि है उसमें एट्रीब्यूट सिर्फ 3 ही लिखवाए हैं, मतलब जो हार्ड वर्कर है, कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फ्लो है, तो उससे ज्यादा कोई हो सकते हैं क्या, मतलब के 3 ही, हाँ मतलब मुझे मैंने 3 ही लिखा हुआ है अभी, बाकी एलोबरेट करवा दूंगा अभी इतना ही जरूरी। हाँ ये कुछ मटेरियल मिल सकता है क्या, मटेरियल मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ दे दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू थैंक यू। और पूछिए कोई, गोविंद जी पूछिए आप, शिवांश जी पूछिए, गोविंद जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, वो मैं इधर उधर यूट्यूब में उधर उधर करके सीखा, अभी तक मेरा कोई गुरु नहीं बना, और मैं अभी स्टार्टअप में हूँ, तो उसके अगर और कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन, अभी अभी पहले जो बताया दो दिन का, और कुछ ज्यादा मटेरियल होगा तो थोड़ा अच्छा था, और मैं आपको गुरु बनाने के लिए इसमें ज्वाइन हुआ क्योंकि फीस कम थी, मैं ज्यादा फीस नहीं दे सकता, तो इसलिए आपसे ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, थैंक यू आप लोगों के लिए, जो मेरे इस सेशन को करने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि भाई पैसे ना होने की वजह से विद्या से वंचित कोई ना रहे, तो मेरा वास्तविक उद्देश्य था वो यही था, और शायद मुझे लगता है आप जैसे लोग अगर आए जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरा उद्देश्य सार्थक हो गया है। थैंक यू, ओके, इतना बोलूंगा आपको, अभी आप लोग बोल रहे थे 3 है 4 है 5 एट्रीब्यूट, 3 आ जाएगा ना तो 3 लाख भी आ जाएगा। एक बीज जो है ना अनेक बीजों को जन्म दे देता, एक जो बीज होता है
वो अनेक बीजों को जन्म देता है। मैंने आपको बीज दिया, मैंने आपको एसेंस दिया, वो चीज दे दी है अभी जो मैंने आपको दिया, वो चीज दी है जिसके बेसिस पर आप जितना चाहो एलोबरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं भी आगे दूंगा आपको, मैं दो चार क्लास अभी होने दू, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा कि ये तीन जो ये कुछ ऐसे है ना, इसे मैं अणु और उसके नीचे फिर परमाणु, दिखने में तो बहुत माइक्रो एंड माइक्रो लेवल के हैं, लेकिन जब वो विस्फोट करेंगे तो बहुत बड़ा प्रलय ले आ जाएंगे। सर आपने जो समझाने का जो एक बात और बताऊं, ज्यादा दे देना कोई बड़ी चीज नहीं है, कम दे देना और उससे ज्यादा करवा देना वो बड़ी चीज। हाँ सर सही है, अभी जो आपने जो थोड़ा बहुत दो वर्ड तीन वर्ड बोला, लेकिन इतना अच्छा दिमाग में बैठ गया कि हम भूल नहीं पाएगा, इतना दिन हम पढ़ के भी नहीं समझ पाया उसको। चलिए कोई नहीं, थैंक यू नवीन जी, आप बोलिए। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। एक गुजारिश मैं लोगों से करना चाह रहा था, किसी का माइक ऑन है उससे इतनी ज्यादा सरसराहट आ रही है। आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, अभी जो मैं ओके बोलिए श्रीवास्तव जी। थैंक यू शिवांश जी। सर एक आपने हालांकि बार बार कहा है कि ग्रहों पे आएंगे तो फिर चीजों को क्लियर करेंगे, जस्ट एक कर्क राशि से संबंधित मेरा छोटा सा सवाल था। कर्क राशि ऑलरेडी अनप्रिडिक्टेबल है और सेंसिटिव है, इमोशनल है, अगर यही चंद्रमा बैठ जाए सर तो फिर कैसे इसको देखेंगे? चंद्रमा जब जिसका कर्क का चंद्रमा होता है जी, चंद्रमा क्या है? आपका मन है जी। चंद्रमा कौन है? आपकी मदर है। वैसे मैं इस पे आता क्योंकि आपने बोल दिया और बहुत सिंसियरली बोला है तो मैं आंसर भी कर दे रहा हूँ। चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी मदर है, ठीक है? तो आपका जो मन है वो बड़ा कोमल होगा पहली बात, इमोशनल होगा दूसरी बात, और कभी आप किसी को जरूरत के वक्त देख लोगे, मतलब जैसे लोग है ना, ऐसे लोग पसीजते बहुत जल्दी हैं क्योंकि एसेंशियल प्रोवाइडर है। अगर आप किसी को वैसे भले ध्यान दो ना दो, आपकी मदर का भी ये नेचर रहा होगा, लेकिन अगर किसी को बहुत जरूरत है उनकी, जो उनका नेचर होगा, मतलब मैंने ऐसी फीमेल्स को देखा कि जिनका चंद्रमा कर्क में रहा, सॉरी किसी मेल के चार्ट में चंद्रमा कर्क का रहा, और उनकी मदर को मैंने देखा कि जब वो गर्भ का समय आता है ना, जब बच्चा बॉर्न होने वाला आता है, और जिन फीमेल्स के पास कोई सास नहीं है, बाहर रह रही हैं, वो खाना भी खुद बना के लेके जाती हैं, जिनकी माँ के चार्ट में, मतलब जिसके लड़के के चार्ट में उसकी माँ का नेचर बता रहा हूँ, वो खाना बना के ले जा रही है, क्या लेके जाना कोई रिश्ता नहीं, पड़ोस में रहती है, पता चला पड़ोस में रहती है, अपना कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग, आपकी मदर का जो नेचर होगा वो एसेंशियल प्रोवाइडर का होगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे देंगे ही देंगे ऐसे लोग, चाहे खाने की बात हो, चाहे हेल्प करने की बात हो, चाहे जो। और अगर आपके मन को देखा जाए तो आपके मन में ये चीजें चलती रहेंगी कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति हो तो वो मेरे से वंचित ना रहे, या मेरे को जरूरत है तो कोई लाके दे दे, तो दोनों ही चीजें होती रहती हैं। तो आपका मन जो होगा वो बहुत कोमल होगा, बहुत मुलायम होगा, बहुत मतलब ये कह सकते हैं बहुत अगर आप वैसे आपका मन कहीं, आपके मन में क्या चलेगा वो चार नंबर चलेगा आपके मन में, जो उसके पास, आपके मन के पास जो एक सॉफ्टवेयर है ना, वो चार नंबर के विद रिस्पेक्ट टू ही घूमता रहेगा। एसेंशियल प्रोवाइडर है, आपके मन में चलता रहे भाई इसको जरूरत है कुछ दे देते हो, जब तक दे नहीं दोगे तब तक वो मन आपका बेचैन ही रहेगा, ऐसा रहता है श्रीवास्तव जी। हाँ सर, सर लेकिन इमोशन अगर बहुत ज्यादा हो तो कर्मा अलाइनमेंट करेंगे, वो रहता ही है, इमोशन रहता ही है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जिसका चंद्रमा चार नंबर राशि में होता है उस व्यक्ति को लोग इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं या इमोशनली यूज करके चले जाते हैं। तो मैंने आप जैसे लोगों के लिए कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, एक ट्विटर पे मैंने लिखा था कि आपका धन, ये वीनस फोर के लिए मैंने बोला था, लेकिन आप इसको मून फोर में भी ले सकते हो। मैंने एक क्वाइट लिखा था और इसी पे लिखा था, वो मैंने रिवील नहीं किया था, आज रिवील कर रहा हूं। मैंने लिखा था कि हमारे धन से किसी की जरूरत पूरी होनी चाहिए, शौक नहीं। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात। तो जहां आपको लगे मेरे को किसी की हेल्प करनी है,
जहां आपको लगे कि मेरे इस पैसे से, मेरे देने से या मेरे किसी भी तरह से हेल्प कर देने से इसका काम बन जाएगा, वहां देखिए कि क्या सच में इसको जरूरत है, है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसमें शिवांश जी आप बोलिए पहले। नेक्स्ट क्लास से आपका जो क्वेश्चनिंग सेशन होगा वो बाद में होगा, ठीक है। हाँ शिवांश जी बोलिए, माइक ऑन करके। नमस्ते, हेलो, नमस्ते, बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था कि केतु, सूर्य एंड चंद्रमा, इन तीन ग्रहों के प्रभाव से कोई व्यक्ति ज्योतिषी बनता है? हाँ यस, बन सकता, सारे ग्रहों से बन सकता है, इनमें पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा होती है। जैसे सर आपने सूर्य और केतु का तो बताया कि अगर इनको अपने को प्रभावकारी या इनका इफेक्ट तेज करना हो या ज्यादा करना हो तो कैसे करना चाहिए, चंद्रमा के लिए क्या करना चाहिए सर? चंद्रमा के पास इंट्यूशन पावर है, चंद्रमा के पास इंट्यूशन पावर है, उसको कुछ नहीं करना। मैं उसी के लिए पूछ रहा हूं, कोई ऐसा योग या ऐसी कोई मुद्रा जिससे अपना इंट्यूशन पावर अच्छी हो जाए, अपन पढ़ भी रहे, तप भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं। चल मैं बोलता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत बेस्ट। हां जी सॉरी, मेरी जो इंट्यूशन पावर है ओके, वो बहुत अच्छी है। मैं जब मेरे घर से निकलता हूँ ना, वो जो सिंबॉलिक चीजें होती है उनका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। अगर मेरे को खाली बाल्टी, मेरे अगर निकलते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो जब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ। अब लोग कहते हैं ना बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये भी तो हो सकता है कुछ पता नहीं था। मैं बिल्ली का रास्ता काटने का मतलब जानते हो क्या होता है? बिल्ली का रास्ता काटने का मतलब ये होता है कि जहां आप जिस काम के लिए जा रहे हो उसमें कोई ना कोई कमी रह गई। अभी वॉलेट चेक कर लो, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, मोबाइल चेक कर लो, चार्जर चेक कर लो, किसी चीज को ऐसे ही थोड़ी खत्म कर देना, करने से क्या होता, मैं आपको सेंस दे रहा था, ठीक है। चार्जर चेक कर लो, तो बिल्ली जो होती है वो किसी चीज की कमी को रिप्रेजेंटेट करती है। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब जब मेरी मेरे सामने बिल्ली ने रास्ता काटता तब तब मैंने देखा कि मैं जहां पहुंचा वहां पे कोई चीज एक रह गई। आज का ही मैं बताता हूँ, क्लास ओपन करना था, क्लास करना था, मेरा लैपटॉप घर में रह गया था, बिल्ली ने रास्ता काटा, मेरे माइंड में आया, मैं फिर बैठ के दो मिनट चेक कर रहा हूँ, मैं पांच मिनट ही आगे गया था मेरे घर से, मैं चेक कर रहा हूँ क्या रह गया क्या रह गया क्या रह गया, तो वो पता चला, मैंने बैग वैग चेक किया तो मेरी बहन जो है वो मेरे कार में खुद ही लैपटॉप रखती है रोज, आज वो भूल गई थी। तो फिर मैं घर वापस गया और फिर मेरे को वो चीज मिली और मैं पहुंचा। जब जब बिल्ली रास्ता काटती है कमी को रिप्रेजेंटेट करती, सुनना पहले सुन लो, और जब जब खाली बाल्टी देखता हूँ तो कब कुछ ना कुछ अनहैपनिंग होने वाली होती है। एक हफ्ते पहले का बता रहा हूं, मैंने मेरी लास्ट क्लास ट्यूसडे को किया जो मेरा बीएनएन एडवांस चल रहा है, वेडनेसडे को मैं मेरे घर से बाहर आ रहा था, खाली बाल्टी दिखी, मैं रुका नहीं, थोड़ा जल्दी में था, कहीं जा रहा था, और मेरी गाड़ी जो है नीचे पत्थर आ गया, दो दिन उस गाड़ी में काम हुआ, जो आपका वो होता है क्या कहते हैं जहां से गियर पड़ते हैं, गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गई थी कुछ, पूरा गियर बॉक्स उतर के फिर उसका पार्ट नहीं मिल रहा, फिर पूरा दिन वो गया, दूसरे दिन फिर वो गाड़ी मेरे को मिली। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आते हैं मून वाले को, और आपने अगर उसको ग्रैब कर लिया, आपने अगर उसको पढ़ना सीख लिया, आपने अगर उसको पकड़ना चालू कर दिया तो आपका काम बन गया। सपोज दूसरी चीज जो मेन है वो ये है, सपोज आप कुंडली देख रहे हो और आपके मन में आया कि भाई इसके पिता नहीं होने चाहिए, ये मरीज ही अपना म्यूट कर लीजिए माई, और आपको लगा आपके मन में इंस्टीट्यूशन आ गई, आपके मन में इंस्टीट्यूशन आई इसके पिता नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट तब तक नहीं आएगा ना जब तक विद्या नहीं होगी। जेमिनी में भी बोला मैंने आपको, जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक बोलोगे नहीं तब तक प्रभाव कैसे पड़ेगा, मन में ही रहेगी आपके, बिल्कुल। आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई फादर किसके नहीं होते हैं चार्ट में, आपके पास क्या होगा। देखो केतु वाला क्या करता है, कुंडली में फाइंड करता है, सन वाला क्या करता है, क्रिएट करता है, मून वाले के पास पीछे से इंसाइट आएगा, कुंडली में कैलकुलेट करेगा कि जो मेरे पास इंसाइट आया वो सही है कि नहीं, सही लग गया सामने वाले को बोल देगा, एग्जैक्ट हो जाएगा।
सामने वाला कोई पूछ रहा है भैया कैसे क्या तरीका रहा कैसे किया, उसका आंसर नहीं है मून वाले के पास, क्योंकि प्रकृति ने आपको किस तरह से आपकी हेल्प करी है ये मून के ऑस्पेक्ट से हेल्प करी है। रिसर्च ऑस्पेक्ट से केतु काम करता है क्योंकि केतु खुद में ऑकल्ट साइंस है, सारी तरह की जितनी भी तरह की गुप्त विद्या है उसका स्रोत ही केतु है। और सन क्या है, हर तरह के सॉल्यूशंस या क्रिएटर, वो सन है। मून क्या है, इंस्टीट्यूशन है, आपके पीछे से आएगा। मैं मतलब कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं किसी की डेथ डिफाइन कर सकता हूं, बट मैंने आज तक जितनी डेथ डिफाइन करी है वो एग्जैक्ट बैठी है। ये मेरा कोई वो फलित नहीं है, मेरे बैकएंड में आ जाता। मेरे पास एक व्यक्ति आया और कह रहा है मेरी फैमिली में किसी को जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो किडनी डैमेज हो चुकी है, बहुत टाइम से डायलिसिस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी रेमेडी बताइए। तो और किसी एस्ट्रोलॉजर ने मेरे को ओपल पहनने के लिए बोला है। मेरे पास कुछ अच्छे शॉप्स हैं जिनसे मैं लोगों जो मेरे अपने क्लोज लोग होते हैं उनको सजेस्ट भी कर देता हूँ, वैसे मैं धंधा करता नहीं, कोई चीज सेल नहीं करता। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि आप उसको फोन कर दो, ओपल मेरे को वहां से लेना है, क्योंकि पंडित ने बोला। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया स्लाइटली, मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आया, मैंने कहा 24 तारीख तक वेट कर लो, पता नहीं बचें कि ना बचें, 24 के बाद पहनना। और 24 की रात में ही वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, फीमेल थी, सॉरी वो फीमेल एक्सपायर हो गई। चंद्रमा जब काम करेगा ना वो ऐसे ही काम करेगा, एकदम से कोई चीज पीछे से आएगी और आप डिलीवर करोगे और वो चीज हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन पावर बोलते हैं इसको। और जो सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है वो ये इंस्टीट्यूशन पावर वाला ही खेलता है। जितने साइकोलॉजिस्ट मिलेंगे वो भी मून वाले ही हैं, जो साइकोलॉजी है ना साइकोलॉजी वो भी चंद्रमा वाले के पास है। अब कुछ लोग नहीं कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं करता, साइकोलॉजी पढ़ता और फिर प्रिडिक्ट करता रहता है, तो वो कौन सा एस्ट्रोलॉजर होगा, मून वाला होगा। केतु वाला कुछ अपना ऑन क्रिएट करता है, कुछ अपना बनाता है, कुछ अपना पैदा करता है, तो उसको हमेशा रिसर्च पे ही रहना है। इसीलिए केतु सैटर्न कॉम्बिनेशन, सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, मरकरी केतु कॉम्बिनेशन, केतु मरकरी कॉम्बिनेशन, ऐसे वाले को खुद में कुछ ना कुछ बिल्ड करना है, खुद में कुछ ना कुछ रिसर्च करना है, खुद में कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के लिए या ऑकल्ट के लिए देना है। समझ आ गया मून कैसे काम करेगा? वहां पे अगर पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सीखा नहीं है तो बोल नहीं पाओगे, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। इसलिए आपको हर चीज पता होना चाहिए। देखो सीखना तो तीनों में जरूरी है, सीखोगे नहीं तो रिसर्च नहीं कर पाओगे, सीखोगे नहीं तो सोल्यूशन नहीं दे पाओगे, सीखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंट भी नहीं आएगा। इंस्टीट्यूशन बोलती रहती है, सामने वाला सोचता है पता नहीं सही बोलना है गलत बोलना है, सामने वाला रिप्लाई देता है, तब आपको पता चलता है कि भाई मेरे मन में तो ये चीज पहले ही आ गई थी। होता है कभी कभी जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ये चीज वो कोरिलेट कर ले जाएंगे। तो अपने इंस्टीट्यूशन पावर को मजबूत बनने के लिए करने के लिए और मजबूत करने के लिए खाने का दान कर सकते हो, गंगा का शोधन सफाई पर ध्यान दे सकते हो, स्नान पर ध्यान दे सकते हो, किसी मेडिटेशन फॉर्म को करने का काम कर सकते हो, तो आपकी इंस्टीट्यूशन पावर बिल्ट हो जाती है। वाटरी एलिमेंट के टच में आते ही आपका इंस्टीट्यूशन लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा। और जिसका भी चंद्रमा का कनेक्शन आ गया वो व्यक्ति को ये जितनी भी चीजें होती, पूर्वाभास जिसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब पूर्वाभास, उसको पता चल। और मैंने मेरी माँ को देखा है, मेरी मम्मी अभी तो एक्सपायर हो गई, मेरी माँ तो उनको देखा, वो जो कह देती थी वो हो जाता, तो मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूशन पावर मेरे को उनसे मिली। उन्होंने आज तक जो कुछ बोला, और कोई ज्योतिष नहीं पढ़ी, कोई उन्होंने कुछ नहीं कही, उन्होंने कहा बेटा ये होगा और वो हुआ। तो बड़े ज्योतिषी जो हैं वो कभी कभी पढ़े भी नहीं होते हैं तो वो खेल जाते हैं लंबा। कैसे खेल जाते हैं? इंस्टीट्यूशन पावर इतनी तगड़ी होती है उनके पास। ठीक है, ये नवीन कृष्ण श्री के आर श्री बोलिए आप जल्दी, आपके क्वेश्चंस कम खत्म करिए जल्दी। नहीं बोला राजीव जी, बोलिए राजीव नंदन शर्मा जी। गुरु जी राम राम। राम राम बोलिए। हाँ गुरु जी, मेरा दो प्रश्न है। एक तो चंद्रमा लियो में है तो हमको क्या करना चाहिए, और दूसरा शनि केतु हमारा साथ में मिथुन में, कोई बात नहीं, तो ज्योतिषी बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए? शनि केतु ज्योतिषी हो आप ऑलरेडी, ठीक है, प्रैक्टिस करो बस। प्रियांशु जी बोलिए, ये क्वेश्चन का आंसर तीसरी चौथी क्लास में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है राजीव चंदन जी। जी 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 प्रियांशु जी पूछिए, माइक ऑन करके बोलिए। प्रियांशु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बीपी सिंह जी बोलिए तब तक जब तक इनका माइक नहीं चल रहा है।
सर आपने कहा कि चंद्रमा एंटिटी पावर बढ़ाता है, कह रहे हैं कि चंद्रमा एंटिटी पावर्स को बढ़ाता है ना, तो ये फुल मून रहेगा या अमावस का चंद्रमा रहेगा? कोई भी हो चंद्रमा, क्या फर्क पड़ता है, फुल मून हो अमावस का हो, उसको उस पे जाना ही नहीं है, वो पराशरी का पार्ट है, बीएनएन का पार्ट नहीं है। चंद्रमा खराब कैसे होता वो हम बता देंगे आपको बाद में, ठीक है। प्रियांशु जी बोलिए, आपकी वॉइस देखो आ रही है, माइक हटा के ईयरफोन हटा लो प्रियांशु जी, तब बोल लो, शायद माइक में कुछ प्रॉब्लम है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब तो क्लियर है पूरी। हाँ सर प्रणाम सर, थैंक यू सो मच कोर्स स्टार्ट करने के लिए। हाँ सर, ये मेरा एक क्वेश्चन था कि जो अभी आपने बताना कि जैसे मून अगर कैंसर के जो कैरेक्टरिस्टिक बताए, तो बीएनएन में जुपिटर तो जीव होता है, तो अगर वो कैंसर में प्लेस्ड हो तो सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे? सेम 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 कैरेक्टरिस्टिक। और सर जैसे आपने एक चीज बताया कि जैसे मून केतु और सन का योगा होता है एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए, अभी स्टार्टिंग में बताया, जुपिटर केतु अगर कंजंक्ट हो कैंसर में तो भी ये चीज अप्लाई होता है ना? वो तो बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हो गया फिर। ओके ओके सर, बताऊंगा एस्ट्रोलॉजर बनने का कॉम्बिनेशन बता दूंगा, क्यों चिंता कर रहा हूँ, अभी तो 16 क्लास होने, आज ही सब ना ले लो। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर फॉर स्टार्ट करने के लिए, प्रणाम सर। है जी पूछिए। हां सर पूछना है कि वीकली वन ही क्लासेस हो गए या एक दो क्लासेस रख लीजिए तो जल्दी जल्दी सर? अभी 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 जो कर रहे हैं करने दीजिए, एक महीने बाद में डिसाइड करूंगा, ठीक है। अभी एक मंथ मेरे फैमिली में बहुत शादियां वादियां पड़ी हैं, तो अभी तो कंटिन्यू हो सकता है, बीच में का क्लास में लैग भी आ जाए, तो वो पहले आपको अनाउंस कर दूंगा, अभी दो पॉसिबल नहीं है, मार्च से देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है अभी यही चलेगा सेम। ओप्पो A5। नमस्ते सर। बोलिए बोलिए सर, जल्दी स्पीड में सर। इफ मून इज इन द राशि ऑफ एक्वेरियस, देन कैन इट बी अ योग फॉर एस्ट्रोलॉजर? पढ़ाया नहीं है सर अभी एक्वेरियस, मैंने बोल दिया, मैं बता दूंगा एस्ट्रोलॉजर बनने के कॉम्बिनेशंस, ठीक है। थैंक यू सर। सारे क्वेश्चंस हो गए, अब मेरे क्वेश्चन सुन लो, इनमें से सारे हैंड रेस जिन्होंने किए हैं सब ऑफ कर दें अपना। आप में से कितने लोग नए हो अभी जो फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, पहली दफा जो पढ़ रहे हैं वो अपना हैंड रेस करें, बाकी लोग ऑफ कर दें अपना हैंड। मेरे को आप पर ज्यादा ध्यान देना होगा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा ये तो बढ़ती जा रही है भीड़, तो और जल्दी करिए, हैंड रेस करिए, उसमें ऑप्शन है हाथ उठाने का। और करिए, जो पहली बार नहीं कर रहे हैं वो अपना ऑफ कर लेना। और है कोई? मनोज जी हैं, या आती नहीं है, किया है कहीं, ज्योतिष आती नहीं है तो वो लोग भी उठा सकते हैं, या जो वीक है एस्ट्रोलॉजी में भी फर्स्ट टाइम या आता नहीं है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, आपके अकॉर्डिंग ही लेवल चलेगा, अगर आप देखिए भाई जैसे इतने लोग हाथ ना उठाते तो शायद मेरा लेवल मैं मैक्स कर देता, बट अभी मेरे को ध्यान देते हुए करना पड़ेगा ना कि कितनों पर ध्यान देना है मेरे को ज्यादा। खोलने से देखियो इतने लोग आप में से नए हैं भी जो एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं, काफी लोग हैं, लेकिन एक चौथाई लोग ही हैं मैक्स में देख पा रहा हूँ, अच्छी बात है, या यूट्यूब वगैरह से जहां से भी पढ़ के आए हो आप लोग। कमिटमेंट तो नहीं करूंगा बट इतना जरूर बोलूंगा कि ये बीएनएन कोर्स करने के बाद इसकी फीस को तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, क्या ले जाओगे आप, इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। 27 लोग हैं जिनको अभी जो फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए हैं इसमें, और शायद 10-15 लोग अभी चले गए, उनमें से भी होंगे कुछ ना कुछ लोग, लेकिन आप बहुत कुछ सीखने वाले हो,
ज्योतिष पढ़ने का एक क्रम होता है। आपसे ज्यादा मेरे को पता है कब क्या आपको पढ़ाना है, आपसे ज्यादा मेरे को पता है कब क्या पढ़ाना है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनको ज्योतिष आती है वो आगे आगे ना भागना, क्योंकि ये जितने हाथ उठा लिए मैंने इनका हाथ पकड़ लिया है। जितने हाथ उठा लिए ना मैंने आप सबका हाथ पकड़ लिया है। मेरे को जिनको आती है उनसे कोई मतलब है ही नहीं, उन सबको मेरा प्रणाम है। मैं ये 29, 28, 29, 30 लोगों के लिए ही मैं बैठा हूँ मेनली, तो मेरे को इनके हाथ पकड़ के चलना है पहली बात। दूसरी बात, जो ज्यादा पढ़े हैं वो आगे भागे नहीं, जो कम पढ़े हैं जिनको आ नहीं रहा समझ नहीं आ रहा वो थोड़ा पेशेंस रखें। एक दिन में ज्योतिष नहीं आएगी लेकिन मेरी गारंटी है एक दिन जरूर आएगी। 16 क्लास होते होते इट्स माय कमिटमेंट, 16 जो आपकी लास्ट अंतिम क्लास होगी वो होते होते जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपके समझ आ जाएगी। आपका काम जानते हो क्या है, एक गुरु का काम क्या है, मतलब एक टीचर का क्या काम है, उसका काम है पढ़ाना और सही से डिलीवर करना। एक स्टूडेंट का जो काम होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूं और मैं स्टूडेंट रहा भी हूं और अभी भी स्टूडेंट ही हूं, मैं भी टीचर विचर नहीं हूं, आपकी नजर में हो सकता मैं हूं। एक टीचर का कर्तव्य मेरे को पता है, टीचर का कर्तव्य जानते हो क्या है, सही से पढ़ाना है, ठीक से पढ़ाना है, कुछ गलत नहीं देना है। तो टीचर के लिए 50 तरह की चीजें हैं जो बहुत ध्यान रखनी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई नियम नहीं बताया शास्त्र में। लेकिन हाँ एक नियम बताया है, जानते हो क्या, सुनना है केवल। और जब आप कभी कोई पूजा कराओ, साउथ वाले भी इसमें काफी हैं और रिलीजियस भी आप लोग हो गए, मेनली हो सकता है हिंदू धर्म से जुड़े हुए आप लोग हो, तो उसमें एक श्लोक बोला जाता है और सबसे पहले वही श्लोक बोला जाता है, भद्रम करणे भी ही सुनयाम देवहा। कोई भी चीज तब तक आपको नहीं आएगी जब तक आप सुनोगे नहीं, इसलिए सुनने पे फोकस जाना करना है, दिमाग नहीं चलाना है। आपको पता है लर्निंग की जो एज है वो बचपन से ही चालू हो जाती है, बल्कि जब गर्भाधान संस्कार हो जाता है तभी से चालू हो जाती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अर्जुन के जो पुत्र थे तो गर्भ में ही थे, और यहां अर्जुन खेदन की प्रक्रिया बता रहे हैं और अभिमन्यु को याद हो गया। 5 साल तक जब बच्चा होता है, 10 साल तक जब बच्चा होता है, 12 साल तक जब बच्चा होता है, और जितना कम उम्र का होता है उतनी ज्यादा वो सीख करता है। और उसका नेचर जानते हो क्या होता है, उसका नेचर कभी भी क्वेश्चन मार्किंग नहीं करता, पहले वो अडॉप्टिंग करता है, पहले वो चीजों को जाने देता है। तो आप जब कभी खाना खाते हो ना, जब आप कभी भोजन करते हो, पहले निवाला अंदर जाएगा, पचेगा बाद में, उसको जाने में। देखो अब बात सुनना, अब सुनना जो मेन बात है, जो आप अन्न खा रहे हो उसको बनने में टाइम लगा है, 6 महीने लगा उसकी उपज में, 6 महीना लग जाता है। उसके बाद वो जब बना, तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ, तो कहीं स्टोर हुआ, आप तक आते आते हो सकता है 1-2-3 साल भी लग जाए, लगता है नहीं लगता है? बनाने में कितना टाइम लगता है? जब आपके घर वो अनाज आया, बनने में भी तो टाइम लगता है, गेहूं आया, चावल आया, ये अगर आप आटा लेके आए, एक घंटा सर टाइम लगता है। फिर परोसने में कितना टाइम लगता है? परोसने में भी टाइम लगता है, और खाने में टाइम लगता है। सबसे जल्दी व्यक्ति खाता है। बनने का प्रोसेस देखो, घर आने का प्रोसेस देखो, आप तक आने का प्रोसेस देखो, और उसका खुद में बनने का प्रोसेस देखो, उससे सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट क्या है, आप खाओ बहुत जल्दी लेते हो, और पचाने का अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो उसमें भी 5-6 घंटे लग जाता है। तो अभी सीखा, अभी पचा लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन 5-6 घंटे में पच जाएगा। और उसमें भी क्या खाया, अगर चिकन विकन खाया तो उसको पचाने में और टाइम लगता है, वो तो कभी कभी 12 घंटे का साइकिल भी हो जाता है, 24 घंटे का भी साइकिल हो जाता है। और अगर आपने कोई सैलेड खाया, कोई अंकुरित कोई चीज खाई, वो 2-2.5 घंटे में पच जाएगा। कोई आपने फ्रूट लिया, वो 2.5-3 घंटे में पच जाएगा मैक्स टाइम। और आपने फ्रूट की जगह जूस ले लिया तो वो घंटे में भर में पच जाएगा, और जल्दी पच जाएगा। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं जूस लिक्विड रूप में आपको देने की, जो रस है, रस ज्योतिष का जो रस है वो लिक्विड के रूप में देने की कोशिश तो आपको कर रहा हूं, लेकिन पचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको पता है ज्योतिष की क्लास हफ्ते में एक ही क्यों होती है, ज्यादातर लोग हफ्ते में एक क्लास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हफ्ते में एक दिन पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि हफ्ते में एक दिन पढ़ना है, 6 दिन प्रैक्टिस करनी है। इसका उद्देश्य ये है। ज्योतिष 26 क्लास में भी आ सकती है, लेकिन उसी को आएगी जो एक दिन पढ़ेगा और उस चीज का मंथन 6 दिन तक करता रहेगा। और मैंने जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है ना, वो इसी तरीके से पढ़ी है। और मैं सच बोलूं, ज्योतिष को मैं मेरा सब कुछ समझता हूं, मेरा सब कुछ चला जाए, लेकिन ज्योतिष की प्रतिष्ठा को मैंने आज तक चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है, ना कभी करूंगा। मेरा कुछ भी ना रहे मेरे पास, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मेरी माँ मानता हूँ। ज्योतिष जो है वो मेरे लिए मेरी माँ से, माँ की तरह ही है, बढ़कर तो नहीं कह सकता लेकिन मेरी माँ की तरह ही है। तो मैंने इसको जिस तरह से पढ़ा है वो एसेंस आपको दे रहा हूं। भागो नहीं, कोई जरूरत नहीं है 4 दिन में आने की। मैं बैठा हूं, अगर कोर्स के बाद भी आप मेरे से कभी पूछोगे तो भी मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चलिए, जिनको ज्यादा आता है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आगे आगे मत भागिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं की स्पीड से चलने वाला हूं। और जिनको कम आता है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को आ नहीं रहा है। और मैं गणेश को बाध्य कर दूंगा आपको आने के लिए। केतु का जो देवता है वो गणेश है, और आपको पता है गणेश मेरी बहुत सुनता है, गणेश जी मेरी बहुत सुनते हैं, उनसे मेरा बहुत गहरा संबंध है। मैं मित्र मानता हूं गणेश जी को अपना, ठीक है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, आप में से जितने हाथ उठे हैं सबको ज्योतिष मिल जाए। उसके बाद जिनको ज्यादा आती है उनका कम होने का तो नहीं प्रयत्न करूंगा, लेकिन कर सकता हूं अगर भागने की कोशिश करोगे तो। सबसे बुद्धिमान पता है देवता कौन है? गणेश जी है। बहुत कम समय में बहुत बड़ी नॉलेज हो गई उनको, और ऐसी नॉलेज नहीं हुई कि जिसमें केवल थोथी नॉलेज है, पोती नॉलेज नहीं है गणेश के पास। गणेश के पास जो नॉलेज है, नॉलेज तो सरस्वती के पास भी है, नॉलेज तो बहुत देवी देवताओं के पास, सबके पास है, लेकिन गणेश के पास जो नॉलेज है ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अप्रोचिंग नॉलेज है, न्यूली नॉलेज है, एप्रिसिएटिव नॉलेज है, कैलकुलेटेड नॉलेज है। तो नॉलेज का जो स्रोत है वो गणेश है, और केतु का जो देवता है एज पर स्पिरिचुअलिटी और हिंदू कल्चर, केतु का जो देवता है वो गणेश ही है। तो गणेश जी से मैं प्रार्थना करूंगा, और गोविंद जी ने तो गणेश जी की फोटो भी लगाई, मेरे सामने गणेश जी बैठे हैं अभी ना। तो गणेश जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने हाथ उठे हैं इन सबके हाथ में ज्योतिष पहुंचा दी जाए, और जो आगे भागेंगे उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि इनके हाथ से थोड़ा छीन लिया जाए। इसलिए कोशिश मत करना आगे भागने की कोई भी। और आप में से सभी लोगों को मैं एक बात बोलूंगा, ज्योतिष एक सीक्वेंस से चलती है, ठीक है, और मेरे को वो सीक्वेंस पता है कब कौन सी चीज डिलीवर करनी है। आपको भागना नहीं है, जो चीज आपको जिस क्लास, आप पता है आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, मेरा भी करोगे अपना भी करोगे। अगर आप व्यर्थ के क्वेश्चंस कर दोगे और 50 लोगों ने हाथ उठा लिया तो आपके 50 मिनट गए, उस 50 मिनट में आप और भी कुछ सीख सकते थे। उस 50 मिनट में जैसे मैंने मेरी क्लास को लगभग 9:35 या 40 पे मैंने ब्रेक कर दिया था, तब से आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, और जरूरी भी है। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किया जिसका आज की क्लास से कोई मतलब ही नहीं था। आज आपको 6 राशियां पढ़ाई, तो 6 राशियों से विद रिस्पेक्ट टू ही आपके क्वेश्चन होने चाहिए, इसके आगे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर आपने पूछा, मैंने आंसर भी नहीं किया तो बहुत कम किया, आपके हो सकता मतलब का भी ना रहा हो, क्योंकि उस समय अगर
क्वेश्चन करते, जब मैं वो चीज पढ़ा दिया होता मैंने, तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आता। हो सकता है क्वेश्चन करने की नौबत भी ना आती। आज से नहीं पढ़ा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी, पहली बार नहीं पढ़ाना चालू किया, 4 से 5 साल हो गए ज्योतिष को पढ़ाते हुए, तो मेरे को पता है कब कौन सी प्रॉब्लम आनी है, किसको कब समझने में दिक्कत आएगी और कब क्या चीज डिलीवर करनी है। समझ आ गई बात? इसलिए कुछ लाइबिलिटीज आपकी ये बनती हैं कि जो चीज आपको जिस दिन पढ़ाई जाए, जिस क्लास में पढ़ाई जाए, तो क्वेश्चंस केवल उन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू होने चाहिए। अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मत पूछिए। मेरा कमिटमेंट है अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं पूछोगे और आपकी 16 क्लासेस पूरी हो गई, आपके एक डाउट्स भी नहीं रहेंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। इसलिए जब बहुत जरूरी हो तभी हैंड रेस करना, और अगर आपका कोई डाउट है मैं पर्सनल भी सॉल्व करने के लिए बैठा हूं, उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की जो क्लास है वो अच्छी हुई। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा था, आप कहां से आए हैं, थैंक यू सर, करते हैं वो मैं पूछ। सर एक बात बता दीजिए, गणेश जी को फ्रेंड कैसे बनाया जाए? गणेश जी को फ्रेंड बनाइए, गणेश जी को घर में बिठाइए, उनको दुर्वा अर्पित करिए, उनसे प्रार्थना करिए, वो खुद फ्रेंड बन जाएंगे आपकी। जी थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे गुरु ने तो मेरे हाथ में गणेश जी की एक प्रतिमा कभी रख दी थी, तब से मुझे लगा कि शायद गणेश मेरे साथ हो गए हैं, तभी मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए, जो गणेश जी को पसंद है वो चीजें चढ़ाइए, कैथा चढ़ाइए, रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना करिए, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कल आपको मिले। अब हाँ ये चीज भी सुन लो, रिकॉर्डिंग आपकी नेक्स्ट क्लास से 1-2 दिन पहले तक मिल जाएगी। ठीक है, इस बात का कमिटमेंट है कि नेक्स्ट क्लास से पहले आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात और सुन लो, ये जरूरी बात है, ये जरूरी बात है, आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ और लिखना नहीं है, उसमें आपको केवल आपका नाम लिखना है, या मैं एक प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, नाम लिखना है, आप अभी कहां से हैं वो लिखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस लिखनी है, और आपका ईमेल आईडी लिखना है। तो मैं आपको एक कंक्लूडेड एक फॉर्मेट सेंड कर दूंगा, उसमें आपको इतनी चीजें लिखनी होंगी, उसके बाद ग्रुप में इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी। जब आप सबके मेरे पास ईमेल आईडी और चीजें आ जाएंगी, उसके बाद मैं उस ग्रुप को क्लोज कर दूंगा पूरी तरह से। वहीं से सारे वीडियोस आपको आपके मेल पर डिलीवर किए जाएंगे, यूट्यूब के ही वीडियो होंगे, वो प्राइवेट रहेंगे, आप जिनका ईमेल आईडी, इसलिए ईमेल आईडी जो आप दीजिएगा वही दीजिएगा जो आपके यूट्यूब चैनल से लिंक हो, या उस ईमेल आईडी से अपना यूट्यूब भी लॉगिन कर लेना, जीमेल लॉगिन कर लेना। ठीक है, नहीं तो आप उसको देख नहीं पाओगे, देखने में भी प्रॉब्लम होगी आपको। तो प्राइवेट वीडियो होंगे यूट्यूब के ही, आपके अलावा कोई नहीं देख पाएगा। जिनके ईमेल आईडीज मैं उसमें डालूंगा, उन्हीं ईमेल आईडी के विद रिस्पेक्ट टू ही आपका वो चलेगा। इसलिए एक बार चेक कर लेना कि आपके यूट्यूब चैनल पर कौन सा ईमेल आईडी पड़ा है, और राशि के जो एट्रीब्यूट्स हैं अभी पूरा पढ़ लो, उसके बाद पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। जब 12 राशियां फिनिश कर दूंगा उसके पीडीएफ में कुछ नया नहीं रहेगा, वही चीजें रहेंगी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, गुड नाइट। जिनके यहाँ रात है, गुड नाइट।